हेलो हेलो एम आई ऑडिबल नाउ गाइस एम आई ऑडिबल नाउ यस नो ऑडियो आवाज नहीं है सर जी नो no वॉइस अब आ रही होगी देखो अब आ रही होगी वॉइस अब आ रही है अब आ रही है हाँ क्लियर है ओके 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 वर्षा डांगे हाई दिक्को ओके okay. फाइन ठीक है चलेगा यस yes, चलिए जरा फटाफट कनेक्ट हो जाइए सो गाइज आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है विच इज़ बेस्ड ऑन डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ओके गाइज इससे पहले कि हम ये आज का लेक्चर शुरू करें मैं जरा दो तीन बातें आपको आ, एक आ, आज के फ्रेमवर्क के हिसाब से बता देना चाहता हूँ सबसे पहले तो आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है जिसको मैंने बहुत अच्छे से डी करके आपके समझने के लिए और आपके इंटरेस्ट के लिए काफ़ी कुछ उसमें अच्छा मिश्रण बनाया है तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें क्योंकि ये टॉपिक बहुत शानदार है लेकिन आज अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपको थोड़ी सी दूसरे वैरायटी की रखनी होगी मैं ये नहीं कहता कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा रखनी होगी लेकिन आपको आज आपका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा दूसरे जगह लेकर जाना पड़ेगा राइट इससे आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आएगा दूसरी बात ये ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कि डायरेक्टली भारत की इकोनॉमी से कनेक्ट करता है इसीलिए मैं जनरली इस तरह के टॉपिक लेता हूं कि जिसमें मैं इकोनॉमी जिसमें मैं इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मैं बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें मैं जीके की बातें सब कुछ एक साथ कर सकूं तो ये टॉपिक एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरह की तमाम बातें ऑल इन वन रूफ की जा सकती है दूसरा आज का टॉपिक इसराइल के लेक्चर जितना बड़ा नहीं होगा इसलिए जल्दी वाइंड अप हो जाएगा तो ठोको ताली आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी उसके बाद आज मेरे पास नोट्स हैं ये सारे के सारे मेरे नोट्स हैं इतने ही आपके भी नोट्स बनेंगे सो थोड़ा बहुत राइटिंग का कंटेंट रहेगा जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लगातार अच्छा डिक्टेशन देता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये लिख के रखेंगे इस लेक्चर को कौन से स्टूडेंट्स को देखना चाहिए वो भी समझ लीजिए इसमें आज डायरेक्टली एम रहेंगे तो सबसे पहले बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ये लेक्चर देखना चाहिए एस के स्टूडेंट्स को ये लेक्चर देखना चाहिए जो स्टूडेंट आने वाले दिन में रेलवेज़ को टारगेट करने वाले हैं या पी की कोई एग्जाम टारगेट करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनको आने वाले दिनों में इंटरव्यूज वगैरह देने हैं जी देनी है उन सब के लिए ये बहुत जरूरी है राइट दिस टॉपिक इज ओवरऑल कंप्रीहेंसिव फॉर दो पीपल हु सम टेक्निकल एग्जाम एज वेल एज द कमर्शियल एग्जाम लाइक बैंकिंग एंड ऑल और ऑब्वियसली क्योंकि डीएफसी सीआईएल की वैकेंसीज निकली हुई है तो डीएफसी सीआईएल को अगर आप में से कोई टारगेट कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा और अगर नहीं कर रहा है तो जो स्टूडेंट कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं right. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आज के हमारे टॉपिक की राइट right. तो चलिए लेट्स बिगिन विद द वर्क यस आज का एजेंडा देख लीजिए आज क्या क्या करने वाले हैं हम सबसे पहले मैं आज आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या है ट्रांसपोर्टेशन कितने अलग अलग माध्यम का होता है इसके बारे में मैं छोटी सी बेसिक चीजों की क्लैरिटी दूंगा उसके बाद फिर मैं आपको इंडियन रेलवे का एक पूरा ओवरव्यू आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके काम का है उतना पार्ट सब कुछ बताने बैठे तो इंडियन रेलवे के ऊपर ही पूरा का पूरा एक वर्कशॉप लग जाएगा आपने को फिर तीसरा फ्रेट ट्रेन फ्रेट ट्रेन का सिंपल मतलब होता है मालगाड़ी जो आप लोगों ने आज तक हजारों बार देखी होंगी मालगाड़ियां ये होती है फ्रेट ट्रेन क्योंकि फ्रेट का मतलब ही होता है जो उत्पादन किया हुआ गुड़ होता है उत्पादन किया हुआ जो माल होता है वो और उसको पैसेंजर ट्रेन के साथ एक कंपैरिजन में देखेंगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतना पैसा कमा लेने के बावजूद आज इनकी हालत इतनी खस्ता क्यों है और सारा का सारा रेवेन्यू पैसेंजर ट्रेन में क्यों चला जाता है और अगर ऐसा ही रहा तो फिर आने वाले दिन में क्या बदलाव किए जा सकते हैं जो ऑलरेडी इंडियन रेलवे कर रहा है जिसका एक फेस ऑलरेडी चालू हो चुका है सो वो काम है डीएफसी दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब इसको डेडिकेटेड ये डी का मतलब है डेडिकेटेड डेडिकेटेड इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो कॉरिडोर बनाया गया है जो गलियारा बनाया गया है वहां पर केवल मालगाड़ियाँ चलेंगी वहां कुछ और नहीं चलेगा यह भारत का अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है देखिए दोस्तों जब से भारत आजाद हुआ तब से हम ब्रिटिशों द्वारा बिछाई गई रेल पटरियों पर आज तक काम चलाते आए हैं ऐसा नहीं है कि हमने उसका विस्तार किया नहीं हमने उसको और एक्सपेंड किया है एनलार्ज किया है हमने उसी को रिपेयर किया है एडवांसमेंट लाया है लेकिन इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया कि सेम ट्रैक के ऊपर जहां पर गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन चल रही थी वहां पर अब केवल एक ट्रैक पे एक तरह की ही गाड़ियां चलेंगी और स्पेशली गुड्स ट्रेन यानी फ्रेड ट्रेन के लिए एक अलग से पटरी बिछाई जाएगी तो हम ये क्यों कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा और इससे आप जैसे युवाओं को कितने रोजगार मिल सकते हैं इसका इकोनॉमी पर डायरेक्टली क्या असर पड़ेगा आने वाले दिन में भारत क्या वाकई में गुड्स ट्रांसपोर्ट में इतना आगे निकल पाएगा दुनिया में जैसे जर्मनी का नाम इस तरह की चीज़ों में बहुत आगे लिया जाता है चाइना यूएसए का नाम काफ़ी ऊपर लिया जाता है तो क्या भारत उस लीग में ज्वाइन करने वाला है इस तरह की तमाम अच्छी जानकारी आपको आज मिलने वाली है उसके बाद ये डीएफसी क्या है डीएफसी को बनाने के पीछे पर्पस क्या था उसके एम्स क्या हैं उसमें अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और डीएफसी के अपने चैलेंजेस भी हैं तो हम इन सब बातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस बात की भी आएगी कि अगर कल को आपको इस तरह के टॉपिक जीडी में पूछ लिए गए अगर ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई आरसी का पैसेज आ गया मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं यू विल बी द फर्स्ट वन जिससे ये पूरा का पूरा टॉपिक बनेगा और आंसर भी एकदम करेक्ट आएंगे My promise, आप सिर्फ दो घंटे का ये लेक्चर ढंग से समझ लीजिए यू विल बी थरली एक्नोलेजिंग एवरीथिंग राइट देन द नेक्स्ट पार्ट इज ऑपरेशनल डिटेल्स खास बात क्या है डी एफ सी की डी एफ सी को लगभग लगभग चार लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बोला जा रहा है आपको पता है कुल मिला के फोर लाख करोड़ रुपीज भारत सरकार या इंडियन रेलवे इसमें लगाने वाली है भारतीय इतिहास का आजादी के बाद का अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट माना जाएगा उस लिहाज से तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ तो खास बातें होंगी तो हम वो खास बातें देखने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल पार्ट रहेगा आज उसके मैं वीडियोस भी लेकर आया हूं तो आपको मजा आएगा और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशनल बेनिफिट्स और एमसीक्यूज रहेंगे इसके ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स फ्यूचर में हो सकते हैं और एमसीक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं हम वो भी देखेंगे तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द पार्ट ओके चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सिंपल है जहां पर मैं आपको बोलूंगा जहां से नोट्स लिखना है वहां प्लीज नोट नोट्स uh, वाले पार्ट को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहिए वहां पर आपको लिखना पड़ेगा तो लिखने के लिए ज्यादा आलस मत दिखाना देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को समझे कि ट्रांसपोर्ट कितने तरह का होता है एक बहुत सिंपल लॉजिक है दसवीं क्लास का है ये कुछ भी इसमें ज्यादा सोचने समझने जैसा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन यानी जो यातायात होता है ये यातायात बेसिकली चार तरह का होगा या तो ये रोडवेज होगा जिसको हम कहते हैं राजमार्ग दूसरा होता है रेलवेज जिसको हम कहते हैं रेलमार्ग तीसरा होता है एयरवेज जिसको हम कहते हैं वायु मार्ग और चौथा होता है वाटरवेज जिसको हम कहेंगे जल मार्ग राइट दुनिया में ये चार तरह के अलग-अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं जो देश ट्रांसपोर्टेशन में सबसे अच्छा होता है अब इस बात को प्लीज क्लियरली समझना जो देश ट्रांसपोर्टेशन में जितना ज्यादा अच्छा होगा वो देश दुनिया में उतना सस्ता और उतना ज्यादा सामान बेच पाएगा आई रिपीट फिर से समझो जो देश ट्रांसपोर्टेशन में जितना ज्यादा फास्ट होगा वो उतना सस्ते में अपना माल बेच पाएगा और उतना ज्यादा क्वांटिटी में अपना माल बेच पाएगा जिससे उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगा उसकी कमाई बहुत ज्यादा होगी और जिसके वजह से ओवरऑल उसके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उतना आएगा क्योंकि उसका देश अट्रैक्टिव लगने लगेगा सबको दुनिया में यह काम जर्मनी बखूबी करता है जर्मनी में एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आपको मटेरियल लेकर जाना है जर्मनी का लॉजिस्टिक्स जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे शानदार है आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स भी समझाऊंगा जो आप हमेशा यूज कर सकते हो जब भी आपको मौका मिले ठीक ऐसा ही एक और देश है चाइना जहां का लॉजिस्टिक्स और जहां का ट्रांसपोर्टेशन लाजवाब है चाइना के जो एक्सप्रेस वेज है वहां पर ऑलमोस्ट 170 180 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ियां दौड़ाना अलाउ किया जाता है तो चाइना ने अपने देश में बुलेट ट्रेन मैगलेव ट्रेन यहाँ तक कि नेशनल हाईवेज एक्सप्रेस अपने देश के अंदर इनलैंड वाटर सब कुछ बहुत शानदार बना के रखा है जिसके वजह से आज ट्रांसपोर्ट में चाइना काफी आगे निकल गया है नतीजा ये होता है कि दुनिया के समुद्रों में हर दस में से चार जहाज आज आपको चाइना के ही मिलेंगे द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट इज हर दस में से चार जहाज आपको समुद्री जहाज आज आपको चाइना के ही मिलते हैं जिस वजह से चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और अल्टीमेटली चाइना की कमाई भी उतनी ज्यादा है आज नहीं तो कल भारत को इस मकाम पे आना जरूरी था ही राइट इसीलिए आज के वीडियो में हम इस ट्रांसपोर्टेशन के महत्व को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखिए एक होता है रोडवेज रोडवेज के अंदर आपको चार अलग अलग प्रकार के रोडवेज आमतौर पर दिखाई देते हैं पहला आपको दिखता है नेशनल हाईवे ठीक है नेशनल हाईवे की सिंपल डेफिनेशन कुछ भी कमेंट मत करना सिर्फ एक एक लाइन ध्यान से सुनते जाना आज बहुत सी बातें मैं एक एक फ्लो में बताता जाऊंगा हो सके तो नोट करते चले जाओ या फिर ध्यान से सुनते चले जाओ रोडवेज में सबसे पहले आता है नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे को बोला जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग किसी एक कैपिटल को किसी दूसरी कैपिटल से जोड़ने के लिए जो रोड बनती है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे स्टेट की कोई एक कैपिटल से स्टेट की कोई दूसरी कैपिटल को कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनता है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे तो मुंबई से लेकर बैंगलोर तक कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनेगी वो होगी नेशनल हाईवे तो हर राज्य की राजधानियों को कनेक्ट करने वाला कौन होता है नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे हमेशा फोर लेन होता है याला चार रोड यानी दो ट्रक इधर से और दो ट्रक इधर से इतनी स्पेस रहेगी उसके बाद आता है एक्सप्रेस वेज ये एक्सप्रेस वेज हमेशा 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 दो इंडस्ट्रियल सिटीज के बीच में बनाया जाता है दो इंडस्ट्रियल सिटीज के बीच में बहुत बड़ी कोई औद्योगिक सिटी होगी जैसे कि पुणे पुणे में दो ढाई हजार से भी ज्यादा कंपनियां हैं दूसरी तरफ है मुंबई मुंबई में लगभग तीन साढ़े तीन चार हजार के आसपास कंपनियां हैं तो भारत में ये पुणे और मुंबई इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है एक्सप्रेस राइट अब ये एक एग्जाम्पल है ऐसे फिर अहमदाबाद सूरत का एक एक्सप्रेस होगा चेन्नई और बैंगलोर का एक एक्सप्रेस होगा भारत में जितने भी ऐसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उन सिटीज को कनेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं एक्सप्रेस वेज अब एक बात और ढंग से समझ लीजिए ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज है I1 और I2 जो मैंने यहां पर लिखा इन दोनों सिटीज को सिटी वन से लेकर सिटी टू तक अगर आपको जाना है तो ये जो रोड होगा दो इंडस्ट्रियल सिटीज के बीच में इसी रोड को बोला जाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी रोड को बोला जाता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह बात अच्छे से याद रखना ठीक है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह वर्ड आपने कई बार सुना होगा पिछले सात आठ साल में इसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है और यह भारत के सबसे हैवी प्रोजेक्ट्स में से एक है तो इसका लार्ज मतलब क्या हो गया एक मुंबई एक इंडस्ट्रियल सिटी हो गई पुणे एक इंडस्ट्रियल सिटी हो गई इन दोनों के बीच में बनने वाला एक्सप्रेस वे तो वो पूरा का पूरा बेल्ट क्या कहलाएगा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहलाएगा ठीक है कोई कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इतने बड़े होते हैं जैसे कि दिल्ली से लेकर सीधे सीधे मुंबई तक तो मुंबई से दिल्ली के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार बना रही है यह भारत का सबसे महंगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा इसके बीच में जितने शहर आजू बाजू में आएंगे ध्यान से सुनना ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा इसके बीच में आजू बाजू में जितने शहर आएंगे इन्हीं शहरों को बोला जाता है स्मार्ट सिटीज इन्हीं शहरों को नाम दिया गया है स्मार्ट सिटीज अब अपना औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी है ओके स्मार्ट सिटी के फेस में आएगा धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा तो यकीनन औरंगाबाद भी किसी ना किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में आता होगा यस और नो तो औरंगाबाद कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में आएगा मुंबई दिल्ली मुंबई नागपुर तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा उसके बीच में औरंगाबाद आएगा इसीलिए औरंगाबाद से नेशनल हाईवे पास हो रहे हैं समृद्धि हाईवे बनाया जा रहा है ये सब इसी के लिए जरूरी किया गया है तो बेसिकली ये जो कनेक्शन दिए गए हैं ये रोडवेज में बहुत जरूरी है उसके बाद रोडवेज में स्टेट रोडवे होता है ठीक है राज्य के एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल तक जाने वाला डिस्ट्रिक्ट होता है और फिर विलेज रोड होता है छोटी मोटी इसमें ग्राम सड़क आ जाएंगी फिर डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाएंगी और स्टेट रोड अलग अलग होता है ये होता है रोडवेज का पार्ट रेलवेज दो तरह की होती है एक होगी गुड्स ट्रेन दूसरी होगी पैसेंजर ट्रेन यू नो दैट वेरी वेल एयरवेज भी दो तरह के होते हैं एक होते हैं पैसेंजर और दूसरे होते हैं कार्गो यानी कि मालवाहक जहाज वाटरवेज वाटरवेज भी दो तरह के होते हैं वाटरवेज यानी जलमार्ग पहला होगा इनलैंड वाटरवेज ध्यान से सुनना हा इनलैंड वाटरवेज इनलैंड वाटरवेज का मतलब अगर किसी ने आपको पूछा तो बोलना देश के अंदर जो नदियां हैं या देश के अंदर जो वाटर है उस पर ट्रांसपोर्ट करने वाला पानी उसको बोला जाएगा इनलैंड वाटरवेज राइट right? तो समझो नर्मदा नदी के ऊपर आपने एक जहाज उतारा और नर्मदा नदी के थ्रू आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो नदी की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ट्रैवल कर रहे हो उसको बोला जाएगा इनलैंड वाटरवेज हमने ऐसा गंगा नदी के ऊपर एक जलमार्ग बनाया हुआ है हमने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक जलमार्ग बनाया हुआ है हमने गोदावरी नदी के ऊपर एक जलमार्ग बनाया हुआ है ऐसे भारत में कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है और इन्हीं जलमार्ग को हम एनडब्ल्यू कहते हैं क्या कहते हैं एनडब्ल्यू नेशनल वाटरवेज जैसे नेशनल हाईवे को एनएच बोलते हैं ना वैसे ही नेशनल वाटरवे को क्या बोलते हैं एनडब्ल्यू तो आज के बाद कभी भी आपको किसी ने बोला कि एनडब्ल्यू वन मतलब क्या तो बोलना नेशनल वाटरवे नंबर वन एनडब्ल्यू टू मतलब क्या नेशनल वाटरवे नंबर टू भारत में टोटल कितने नेशनल वाटरवे है? वाटर हैं छह नेशनल वाटरवे हैं और इनको एक साथ क्या बोलते हैं हम इनलैंड वाटरवेज इनलैंड यानी जमीन के ऊपर जमीन के ऊपर ये वो समुद्री वाटरवेज नहीं है ये देश के अंदर के हैं इसीलिए इनको बोला जाता है इनलैंड वाटरवेज दूसरे होते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो फिर आप जानते ही हैं अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाले इंडियन ओशन को अरब सागर से जोड़ने वाले एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने वाले वो होते हैं पूरे के पूरे इंटरनेशनल अल्टीमेटली भारत को यहां पर मजबूत होना है इंटरनेशनल मार्केट में और उसके लिए भारत आज ये सारी चीजें कर रहा है इंटरनेशनली चमकने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहा है ठीक है ये बात समझ में आ गई अब एक चीज और क्लियर रखिए कि बात केवल एक गवर्नमेंट की नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है या मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में क्या हुआ था तो आज के लेक्चर में हम ये बातें पॉलिटिकल बातें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट ने इसमें कितना हाथ आगे बढ़ाया मैं आपको इन फॉर ऑल एक एक बात बता देता हूं ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर भारत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का टाइप है याद रखना यह बात इन दोनों का ही एक सहयोग है कि किसी की भी सरकार हो दूसरा उसके ऊपर आलोचना नहीं करेगा कि ये वाले प्रोजेक्ट में आपने ऐसा किया वैसा किया क्योंकि देश की जरूरत है तो साल 2002 में ये टाइप हो गया था कि अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट आगे किसी की भी आए ये डेवलपमेंट हम हमेशा करते रहेंगे ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक क्लियर है चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाते हैं सो लेट्स गो हैड ठीक है जहां नोट्स लिखने होंगे वहां पर मैं आपको बराबर बताऊंगा अब देखिए सम इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट इंडियन रेलवे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रेलवेज के ऊपर है इसलिए बात शुरू करते हैं सीधे रेलवे से रेलवे के बारे में कुछ दो चार लाइट हार्टेड चीजें मैं शुरू में बता देता हूं ये आपको पता होनी चाहिए भारतीय रेलवे जो है इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड बाय साइज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है राइट right? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है नहीं ऐसा नहीं है हमारे यहां लगभग लगभग 63,000 थ्री के एरिया में रेल नेटवर्क हमने फैलाया है जहां पर पटरियों की लेंथ वो तो एक लाख किलोमीटर से भी ज्यादा आई I मीन mean, एक लाख किलोमीटर के बराबर बराबर क्योंकि एक ही रूट पे जाने आने वाली दो पटरियां बिछा के रखी है तो उस लॉजिक के हिसाब से एक लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की पटरियां हमने बिछा के रखी हैं इट हैज़ अ टोटल रूट लेंथ ऑफ सिक्सटी सेवन किलोमीटर देख लीजिए लगभग लगभग सिक्सटी थाउजेंड किलोमीटर्स के एरिया में भारत में हमने रेलवे ट्रैक बिछा के रखी है या रेल नेटवर्क बना के रखा है अगर हम माने तो यह पूरे पृथ्वी को 1.5 टाइम्स लपेटने के लिए काफी है इतना शानदार रेलवे का हमने एक मायाजाल पूरा देश में बना लिया है तीसरा भारत में जो इंडियन रेलवेज का एक मैस्कट है उसका नाम है भोलू आपने देखा होगा एक एलिफेंट है जो इंडियन रेलवे का मैस्कट है वो ट बेसिकली गार्ड एलिफेंट इज द मैस्कट इंडियन रेलवे भी देखी होंगी नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूं ये भोलू कुछ इस तरह का आपको दिखेगा ये देखिए हैव यू एवर सीन दिस भोलू भोलू ये भोलू. ये बेसिकली इंडियन रेलवे का मैस्कट है मैस्कट जरा कमेंट चालू करना एक मिनट तो ये मैस्कट है ओके समझ में आया हाँ इसके बाद एक और चीज दिखा देता हूं आपको वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव इज इन इंडिया नेम्ड फेरी क्वीन ओके हाँ मेट्रो एंड मोनोरेल भी आएगा ना यस yes, वो तो है ही फेरी क्वीन ये जो आपको दिख रही है एस एस सी में या आ, अपना डी एफ सी सी आई एल में ये जो इंजन है ये दुनिया का सबसे पुराना इंजन है जो भारत के पास है इसका नाम है फेरी क्वीन एंड द थिंग इज ये 1855 में, माफ करना यहाँ पर एटीन आएगा नॉट फिफ्टी 1855 ये अठारह सौ पच, में बना हुआ था और ये आज भी आज भी ये ऑपरेशनल है ये आज भी चल रहा है राइट तो अपने आप में एक अनोखा स्टीम इंजन है जो पिछले डेढ़ सौ पौने दो सौ साल से ऑपरेशनल है इसको अभी अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल ट्रेजर घोषित कर दिया गया था आज से कुछ साल पहले तो ये भारत की एक धरोहर है देन देर इज वन मोर थिंग जो कि इसके बारे में बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है थर्ड पॉइंट यस अब ये पार्ट देखिए हाँ ध्यान से ये है भारत का एक रेलवे स्टेशन जो कि सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है ये भी एक पॉइंट याद रखना ये कभी आपको कोई एग्जाम में पूछ ले वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेट्टा ये इतना लंबा चौड़ा एक नाम है ये नाम बेसिकली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे एक गांव का नाम है जो कि एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है 28 लेटर से कुल एज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड ओके नाम से ये आप इसकी पट्टी भी देख सकते हैं यहां पर राइट right. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स थे रिलेटेड टू इंडियन रेलवे अब आ जाते हैं इंडियन रेलवे के फ्रेट वाले पार्ट पर सो लेट्स गो ऑन टू द फ्रेट पार्ट यस अब इधर देखिए हा ध्यान से देखना इंडियन रेलवे रूट्स आर डिवाइडेड इन फोर कैटेगरीज भारत में जो रेलवेज है ये बेसिकली चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं इसको ध्यान से समझिए सबसे पहला है ब्रॉड गेज ब्रॉड गेज वो वाली ट्रेन होती है जिसमें आपने आज तक अक्सर सफ़र किया होगा 99 परसेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने भी रेल में सफ़र किया होगा उन्होंने इस तरह की ट्रेन में ही सफ़र किया होगा तो ये है ब्रॉड गेज इसको ब्रॉड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो पटरियों के बीच में जो गैप होता है वो लगभग लगभग 1.6 मीटर का होता है इतनी चौड़ी रेल पटरियां होती है इससे चौड़ा और कोई गेज हमारे पास नहीं होता उसके बाद सेकंड आता है स्टैंडर्ड गेज स्टैंडर्ड गेज में 1.4 मीटर के आसपास की गैप होती है दो पटरियों के बीच में और इसके ऊपर कौन सी ट्रेनें चलती है इसके ऊपर मेट्रो ट्रेन चलती है जितनी भी मेट्रोज आपने देखी होंगी जितनी भी मोनो रेल आपने देखी होंगी मुंबई में या चेन्नई में जो मेट्रोज वगैरह चलते हैं वो सब के सब बेसिकली इस तरह के डिस्टेंस में होते हैं उनकी पटरी ये होती है ये बेसिक साइंस की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट देन दर्ड पार्ट इज मीटर गेज इसको बोला जाता है मीटर ये बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है एक मीटर का होता है एक मीटर का तो इसमें जो पटरियों के बीच में गैप होगा वो कितना होगा एक मीटर का होगा ये इस तरह के डब्बे आपने देखे होंगे आमतौर पे ये थोड़े से इनसे साइज में छोटे होते हैं लेकिन तब भी इनका नेटवर्क भी है लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं होते हैं अगर आपको मीटर गेज वाली कोई ट्रेन देखना है तो आपको अकोला से अजमेर के लिए राजस्थान के लिए ट्रेन चलती है जो महाराष्ट्र से निकलती है वो आपको मिल जाएगी ये एक मीटर गेज पे चलने वाली ट्रेन है इस ट्रेन से साइज में थोड़ी छोटी होती है उसके बाद एक और आती है जिसको हम कहते हैं नैरो गेज इसको हम अक्सर टॉय ट्रेन टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं हमने बचपन में अक्सर कुछ हिल स्टेशन में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी ये जो वेस्ट बंगाल में है शिमला की जो ट्रेन है इस तरह की जो ट्रेन आपने देखी होंगी ये सारी ट्रेन इनको बोला जाता है नैरो गेज तो ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए होते हैं आमतौर पर टूरिस्ट ट्रेन होते हैं इस तरह से तो इंडियन रेलवे में आपको इस तरह के चार अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगे राइट दीज आर द कॉमन पार्ट ओके अब आते हैं इसमें और क्या चीजें आगे देखते हैं राइट right? अब ये इंडियन रेलवे के ये चार पार्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट से रिलेटेड है और इनके एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो यहां पर आपको सबसे पहले एक छोटा सा नोट्स लिखना पड़ेगा सो लेट स्टार्ट विद द पार्ट हा यस संदेश कह रहे हैं ये नहीं अफसर अफसर लार्जेस्ट नेम्ड रेलवे स्टेशन अच्छा कुछ अपडेट हुआ है तो प्लीज जरा बताइएगा चलेगा अब आ जाते हैं नोट्स के ऊपर तो प्लीज जरा एक हेडिंग डाल दीजिए डीएफसी <coughs> कह रहे हैं सर क्या ये नेटवर्क हाइपर लूप ओवरकम करेगा हाइपर लूप आएगा तो फिर तो वो सब कुछ ओवरकम कर लेगा हाइपर लूप के आने के बाद तो सब कुछ चेंज हो जाएगा चलिए नोट्स में जरा दो लाइन लिखिए डीएफसी सीआईएल डालिए और नोट्स में लिखिए इंडियन हैड इंडियन रेलवे हैड 1.25 मिलियन 1.25 मिलियन एक दशमलव दो पांच यानी बारह लाख पचास हजार एम्प्लॉज एम्प्लॉज एज ऑफ मार्च 2020 थाउजेंड एंड मार्च 2020 मार्च 2020 तक मार्च 2020 तक दो एक बारह लाख पचास हजार एम्प्लॉय इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं मार्च 2020 तक का आंकड़ा है और यह दुनिया के टॉप टेन एम्प्लॉयर्स में से एक है दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब करने वाली कोई कंपनी होगी टॉप टेन एम्प्लॉयर्स उसमें इंडियन रेलवे आता है ठीक है सेकेंड एक और पॉइंट लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एग्जाम में आ चुका है बैंकिंग में इसके पहले द गवर्नमेंट हैज कमिटेड द गवर्नमेंट हैज कमिटेड टू इलेक्ट्रीफाई टू इलेक्ट्रीफाई भारतीय रेल को कंप्लीटली रूट्स को इलेक्ट्रीफाई किया जाने किया जा रहा है हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रीफिकेशन किया जा रहा है वही पॉइंट है the government has committed to electrify india's entire rail network india's entire rail network india's entire rail network by 2023 24 by 2023 24 हालांकि ये थोड़ा टारगेट पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 2023 24 तो बस अब आ ही रहा है तो ये कोरोना के पहले के एस्टिमेट थे तो 2023-24 तक इनका अनुमान है कि भारत के पूरे पूरे इलेक्ट्रिक रूट आई मीन सारे के सारे रेलवे रूट को वो इलेक्ट्रीफाई कर देंगे ओके फुल स्टॉप इट विल ऑल्सो बिकम इट विल ऑल्सो बिकम इट विल ऑल्सो बिकम नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे बाय टू थाउजेंड थर्टी बाय टू थाउजेंड थर्टी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पहले आ चुका है सैंपल पेपर में तो है ही एग्जाम्स में भी आप ये देख सकते हो यह क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय रेलवे ने अभी तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला टारगेट क्या सेट करके रखा है द आंसर इज टू और कब तक भारतीय रेलवे अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेगी अपने रास्तों का डीजल इंजन हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तो आंसर इज 2023-24 ये लाइकली टू बी एक्सटेंडेबल है ये आगे बढ़ेगा ही क्योंकि इतने जल्दी तो होने वाला है नहीं तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा समझ में आ रहा है ये क्लियर हो गया हाँ चलिए अब देखते हैं आगे गुड्स ट्रेन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं और डीएफसी वाले पार्ट का डायरेक्शन लेते हैं यस yes, अब आते हैं गुड्स ट्रेन के बारे में अब सबसे पहले आप इस बात को समझो गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू फ्रेट ट्रेन गुड्स ट्रेन को ही फ्रेट ट्रेन कहते हैं फ्रेट का मतलब होता है माल ओके okay, और ये ट्रेन यानी वाहक तो मालवाहक गाड़ी एक तरीके से ठीक है हमारा आज का टॉपिक लार्जली इस पार्ट के ऊपर ही बेस है इसीलिए हमको इस चीज का एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर समझना होगा तो अगर मैं गुड्स ट्रेन बोलू या फ्रेड ट्रेन बोलू यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेम पार्ट ओके अब ये तीन पॉइंट जरा एक के पीछे एक समझ लीजिए इंडियन रेलवे रन एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन ट्रेन डेली इन फ्रेट सेगमेंट यानी मालगाड़ी वाले सेगमेंट में लगभग लगभग साढ़े आठ हजार ट्रेन भारत में रोजाना चलती है राइट दूसरा द एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन इज जस्ट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर यह है सबसे बड़ा बॉटल नेक हमारे लिए राइट यहां पर मैं एक वर्ड यूज करता हूं इंग्लिश का बॉटल नेक वॉट डू मीन बाय बॉटल नेक बॉटल नेक का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आके हर चीज चौक हो जाती है मतलब जैसे मान लीजिए कि सड़क पे कोई एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है तो गाड़ियां वहां पर बराबर स्लो हो जाएंगी क्योंकि वहां से निकलने के लिए वक्त लगेगा तो वो हो गया वहां का बॉटल नेक ठीक वैसे ही ये बेसिक जितनी भी ये एवरेज स्पीड हो गई है फ्रेट ट्रेन की इसके वजह से ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया है बॉटल नेक हो गया है अब आप बोलेंगे ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर पे क्यों चलती है क्योंकि हमारे यहां पैसेंजर ट्रेन और लोकल सॉरी पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन दोनों के लिए कॉमन रेल पटरिया है दिस इज द पार्ट पैसेंजर ट्रेन भी इसी रेल पटरी से गुजरेगी फ्रेट ट्रेन भी इसी रेल पटरी से गुजरेगी अब आप कॉमन सेंस से बताओ सबसे पहला प्रावधान किसको मिलेगा ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन को मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि इसमें यात्री हैं जीते जागते यात्री हैं इधर तो क्या है सिर्फ सामान पड़ा हुआ है सो so ऑब्वियसली यात्रियों के वजह से शताब्दी एक्सप्रेस हो राजधानी हो लोकल ट्रेन्स हो या फिर कोई स्पेशल ट्रेन्स हो या फिर मान लेते हैं कि कोई एक आ, स्पेशल जो अभी कोरोना के समय जो ट्रेन चल रही थी वो हो कोई भी ट्रेन हो हम सबसे पहले इनको प्रायोरिटी देते हैं प्रॉब्लम ये होता है कि इस वजह से ये ट्रैक हमेशा ओवरलोडेड रहते हैं और बहुत बिजी रहते हैं मैं आपको भारत के सबसे ज्यादा बिजी ट्रैक्स भी दिखाऊंगा जहां पर लिटरली ट्रेन का ट्रैफिक उसके मौजूदा एक्सेप्टेंस लेवल से 150 परसेंट हो चुका है यानी जहां पर 100 परसेंट ट्रेन चलेगी तो उससे लगभग लगभग वो और 50 गुना 50 परसेंट ज्यादा हो चुका है किसी भी ट्रैक पे 80 परसेंट के आसपास अगर ट्रैफिक है तो उसको हम बहुत बिजी रूट मानते हैं लेकिन भारत में ऐसे बहुत से रूट्स हैं जहां पर 150 परसेंट के आसपास का बर्डन आ चुका है अब इस वजह से क्या होता है कि ये जितने भी फ्रेट ट्रेन है ये जितनी भी मालगाड़ियां हैं ये सारी की सारी बहुत स्लो हो जाती हैं तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी आती है 25 किलोमीटर पर आर के आसपास अब ये 25 किलोमीटर पर आर आएंगी तो स्वाभाविक है कि यहां पर हमारा क्या होगा एक जबरदस्त लॉस होगा हमारा इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही होगा इसके साथ ही साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा खराब होगा यहां पर ट्रेन ना केवल लेट पहुंचेंगी लेकिन उतना ही हमको कम कमा कर देंगी इस प्रॉब्लम को पीयूष गोयल ने अभी अभी बीच में एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि वी नीड टू सॉल्व दिस बॉटल तो इस वजह से भारत में इन ट्रेन के लिए एक अलग से रूट रूट बनाया गया है है और उसी को बोला जाता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राइट आगे हम आएंगे उसके ऊपर यहां तक का पार्ट समझ में आया अब देखिए ओवर थर्टी लाख टन ऑफ फ्रेट बी ट्रांसपोर्टेड मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट कैरियर ऑफ फ्रेट ग्लोबली 30 जो माल है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है जिसके वजह से हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं दुनिया में लेकिन तब भी आपको एक बात बताऊं भारत में अभी भी जो टोटल गुड्स ट्रांसपोर्ट है टोटल भारत में जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है यह टोटल गुड्स ट्रांसपोर्ट का थर्टी परसेंट केवल फ्रेड ट्रेन से होता है बाकी सेवेंटी परसेंट जो होता है ये रोड ट्रांसपोर्ट से ही होता है अभी भी अभी भी जब देश आज़ाद हुआ था तो शुरू में ब्रिटिशों के ज़माने में भारत में लगभग सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ट्रांसपोर्ट ट्रेन से होता था लेकिन क्योंकि ट्रेनों की हालत ऐसी रही धीरे 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 पिछले सत्तर बहत्तर सालों में लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन के जगह क्या यूज करना शुरू कर दिया रोड यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने ट्रक्स यूज करने शुरू कर दिए देखते देखते सत्तर बहत्तर सालों में भारत में क्या हो गया पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ट्रांसपोर्टेशन आज रोड में शिफ्ट हो चुका है और केवल तीस परसेंट ही है जो ट्रेन में है राइट अब भारतीय रेलवे यह कह रही है कि इस 30 परसेंट को 50 परसेंट तक लेके जाना है एटलीस्ट 2030 तक इसको 50 परसेंट तक लेके जाना है तो आने वाले 9 से 10 सालों में दे आर टारगेटिंग परसेंट कर दिया जाए तो वो कैसे होगा इस तरह के डी जैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे ये कमाल करके दिखाएंगे और इस प्रोजेक्ट के साथ हमको फायदा क्या होगा प्रोजेक्ट इतना बड़ा रहेगा इसमें इतने सारे कॉरिडोर इसमें इतने सारे इंडस्ट्रीज इसमें इतने सारे नेशनल हाईवे इसमें इतने सारे लॉजिस्टिक्स पार्क जुड़ेंगे कि यह हर चीज को इंटीग्रेट करके देखोगे तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग लगभग 1.5 परसेंट से आगे बढ़ा देगा तो इसीलिए यह अपने आप में बहुत खास प्रोजेक्ट है लगभग लगभग चार लाख ,00 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेट इसका आता है समझ में आ रहा है आपको यह क्लियर है राइट right, हाँ अब देखिए चलेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों किसी ने लिखा है लक्ष्मण जाधव ने कि प्राइवेट ट्रेन के थ्रू प्राइवेट ट्रेन तो होंगी ही सर अभी जितनी नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें नई मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट ट्रेन को अलाउ किया गया है ये बात तो है ही जो आप बोल रहे हैं ओके यस बॉटल नेक के लिए एक अच्छा वर्ड यूज किया है लक्ष्मण ने गले की हड्डी यस हाँ आगे बढ़ते हैं यस चलेगा हाँ अब ये एक चार्ट मैं आपके लिए जस्ट एक्चुअली मैं ड्रॉ कर रहा था मैं अलग अलग जितने डेटास मुझे मिले तो इसको फिर मैंने स्कैन करके आपके लिए लाया है आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा हैंड रिटन है लेकिन फिर भी समझने के लिए सफिशेंट है इसको प्लीज ध्यान से देखिए ये है रेवेन्यू बिलियंस में रुपीज़ में है ना नोके तो यहां पर आपको पूरे बिलियन रूपीज़ में आंकड़े दिखेंगे ये है फाइनेंशियल ईयर में भारतीय रेलवे का रेवेन्यू कितना आया ठीक है इंडियन रेलवे तो वैसे प्रॉफिट में ही है राइट तो इंडियन रेलवे में ओवरऑल जो प्रॉफिट आया है या ओवरऑल जो रेवेन्यू आया है वो किस तरीके से आया है 2015 में 1567 बिलियन रुपइस के आसपास भारतीय रेलवे ने कमाया फिर आगे बढ़ा 1700 फिर थोड़ा कम हुआ साढे 1650 सो, फिर फिर से बढ़ा लगभग 1800 फिर 1900 फिर साढ़े सत्रह सौ और ये जो ट्वेंटी वन आपको दिख रहा है ये कोरोना वाला साल था टू थाउजेंड ट्वेंटी से ट्वेंटी वन अचानक से रेवेन्यू ड्रॉप डाउन हुआ और चौदह सौ पचास के आसपास आया तो अच्छा खासा तीन सौ बिलियन डॉलर का यहां पर हमको एक डेंट लगा है राइट तो ये यह यहां पर ये यह कोरोना वाले पीरियड के वजह से अभी यहां पर देखो एक स्टार मार्क लगा देता हूं मैं क्योंकि ये वाला साल अभी चल रहा है ठीक है तो 21 से 22 वाले ईयर में हमारा अनुमान है कि सेकेंड वेव के बाद अब अगर सब कुछ पटरी पे आ गया ठीक रहा तो 2174 मिलियन सॉरी 74 बिलियन रुपीस के आसपास हम कमा लेंगे राइट तो इंडियन रेलवे का ये एस्टीमेट है फ्रैंकली अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये अचीवेबल है मुझे लगता है फिलहाल नहीं है हाँ लेकिन ये तीन साल के अंदर अंदर अचीव हो जाएगा तीन साल के अंदर इसलिए अचीव हो जाएगा क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दो सेक्शन बन के रेडी हो चुके होंगे तब तक तो वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा और अगर इस साल सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव अगर नहीं आई सब कुछ बहुत कूल cool रहा सब कुछ नॉर्मल रहा लोगों ने ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली यूज़ करना शुरू कर दिया तो हो सकता है इस साल हम लगभग लगभग ये सेम लेवल पे आ जाए मतलब यहाँ के यहाँ लगभग 1800 के आसपास तो इस साल हम आ सकते हैं यह मेरा अनुमान है राइट इसके पीछे एक और वजह है कि मैं इसको यहां तक इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि जो ऑलरेडी हमने लोन लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से और बाकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से राइट तो वो वाला अमाउंट और वो एक्सपेंडिचर भी उसके ऊपर करना है लाखों करोड़ रुपए का खर्चा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ऑलरेडी जा रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग यहां 1800 से 1900 बिलियन रुपीज के आसपास की कमाई हो सकती है यह है भारतीय रेलवे का ओवरऑल अभी तक का अर्निंग तो लास्ट टर्निंग अगर आप देखेंगे तो साढ़े चौदह सौ बिलियन रुपीज के आसपास का अमाउंट भारत भारतीय रेलवे ने कमाया है समझ में आया राइट अब देखते हैं इस रेवेन्यू के साथ भारतीय रेलवे में और कौन कौन सी चीजें आगे आई है देख लीजिए अब मैं आपको एक बेसिक कंपैरिजन बताता हूं बहुत ही बच्चों वाली चीजें हैं ये लेकिन इसको एक बार समझ लेना बड़ा जरूरी है आप एक पल के लिए देखिए ध्यान से समझिए मैं एक पॉइंट पहले लिखता हूं उसके बाद फिर आपको बता दूंगा इसको ध्यान से समझना एक तरफ है हमारे फ्रेट ट्रेन ठीक है हमारी मालगाड़िया हर सौ रुपए में से रुपीज कमा के देती है मालगाड़ियां ध्यान से सुनना भारत में मालगाड़ियां जितनी भी हैं गुड्स ट्रेन कितना कमाती है सिक्सटी थ्री रुपीज आउट ऑफ एवरी हंड्रेड जो पीछे तुमने अभी पूरा रेवेन्यू देखा उसका 63% परसेंट अकेले फ्रेट ट्रेन से आता है गुड्स ट्रेन से, जबकि कि पैसेंजर ट्रेन कमा कमा जितना कमाती है उससे ज्यादा उसके ऊपर खर्चा होता है उससे ज्यादा उसके ऊपर खर्चा होता है तो वो ज्यादा का खर्चा कौन करके देता है ये बेचारे फ्रेट ट्रेन वाले गुड्स ट्रेन वाले वहां से वो पैसा उधर लगाया जाता है तो ऐसा क्यों होता है यह है उसके पीछे एक बेसिक कारण जब आप किसी भी तरह की पैसेंजर ट्रेन देखते हैं आपको इतने सारे ताम झाम उस ट्रेन में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको पेंट्री कार मिलेगा तो ये पेंट्री कार की सुविधा देनी पड़ेगी फिर उसके बाद आपको एसी कोचेस मिलेंगे तो एसी सी बोगीज आपको मिल जाएंगी भगवान जाने क्या देख रही ज्ञानबाजी का कोई लेक्चर देख रही होगी मेगा सेशन हाँ फिर नीचे इधर आप देखेंगे तो आपको ए धुले हुए बर्थ मिलेंगे फिर आप देखेंगे तो कोई भी ट्रेन में आपको सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा गार्ड देने पड़ते हैं फिर आपको जीआरपी आरपीएफ के पुलिस वाले रखने पड़ते हैं इसके बिना ट्रेन चल नहीं सकती तो ये सब एडिशनल खर्चे इसके साथ होते हैं जो कि वैसे भी काफी जरूरी हो जाता है देन नेक्स्ट देखिए अभी अभी भारत में एक नई ट्रेन शुरू हुई है आपको पता ही होगा तेजस एक्सप्रेस ये तेजस एक्सप्रेस में पीछे स्क्रीन के पीछे में आप देख लीजिए एलईडी लगे हुए हैं हर जगह तो ये एलईडी लगे हुए हैं तो ट्रेनों में जो आजकल हम और ज्यादा जितनी सुविधाएं दे रहे हैं इन सब का खर्चा अलग है फिर ट्रेन में टी भी होते हैं ओके अपने धोनी भाई साहब भी टी, टी थे इनकी सैलरी देनी पड़ती है देन यू कैन सी दीज आर द ट्रेन होस्टेसेस पता है ना आप में से कितने लोगों ने तेजस में और वंदे भारत में सफर किया है ज़रा कमेंट रेड में मुझे बताना हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेवल्ड इन द मोस्ट एडवांस इंडियन ट्रेन तेजस एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस में जैसे ही आप जाएंगे ये मैडम जी सामने ही रहेंगी और ये पहले तिलक लगाएगी और उसके बाद फिर अंदर आपका स्वागत होगा तो इन लोगों को भी कम से कम पच्चीस चालीस हजार रुपए कुछ तो सैलरी होगी तो इनका इनका ये वाला पूरा का पूरा जो यानी ये जो एक नया फैसिलिटी और डेवलपमेंट है इसका खर्चा अलग है फिर उसके बाद ट्रेन को अच्छे से धोना पड़ता है पानी की सुविधा देनी पड़ती है टॉयलेट की सुविधा देनी पड़ती है रात को ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए जी एफ रखने पड़ते हैं ये सारे दुनिया भर के खर्चे हैं पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए तो पैसेंजर ट्रेन कमाती जितना है उससे ज्यादा उसके ऊपर लग जाता है अगर वो छत्तीस रुपए कमाती है सौ रुपए में से तो उसके ऊपर लगने वाला खर्चा कम से कम चालीस से बयालीस रुपए का हो जाता है क्योंकि इन सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है तब जाके ट्रेन चलती है और ऊपर से फिर ये जब चलेगी तो यह मालगाड़ी के ज्यादा प्रावधान में चलेगी मतलब इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी मालगाड़ी को रोक के रख दिया जाएगा क्यों क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता एक ही है ट्रैक एक ही है तो उस एक ट्रैक में से पहले इसको भेजा जाएगा और उनको खड़ा करके रख दिया जाएगा वो बेचारे उनका तो कोई माई बाप है ही नहीं उनको तो बस दो दो दिन तक एक जगह आप पड़ा रख दो उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं अब आप आगे अगर देखेंगे तो सेकंड ये देखिए गुड्स ट्रेन अब गुड्स ट्रेन में फ्रेट ट्रेन में क्या है यहां पर आपको कौन सा टीटी दिख रहा है यहां पर आपको कौन सा ट्रेन होस्टेसेस दिख रही है ना टॉयलेट है ना यहाँ पर आपको कोई धोना है कोई ना एसी के बर्थ लगाने हैं ना पेंट्री कार देना है कुछ नहीं है बस आप खुला बस एक रख दीजिए ऊपर से कभी कभी आप एक कवर चढ़ा दीजिए वो भी मत चढ़ाइए और आप सीधा लेके चले जाइए तो बेसिकली अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ट्रेन में खर्चा ना के बराबर रहता है बिल्कुल लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से ये लोग लगभग लगभग 63 परसेंट के आसपास का रेवेन्यू कमा लेते हैं जबकि जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो 36 परसेंट का रेवेन्यू कमाती लेकिन तब भी इनके झोली में कुछ नहीं आता इनको एज सच कोई नया पार्ट नया डेवलपमेंट कुछ भी नहीं मिला अभी तक के तो ये जैसे चल रहे थे ये वैसे के वैसे चल रहे हैं इनमें कोई बदलाव आज तक आया ही नहीं है राइट ये पार्ट समझ में आया आपको राइट अब आगे देखते हैं यहां से आगे हाँ अब आप देख लीजिए फ्रेड ट्रेन और गुड्स ट्रेन के बीच में एक सिंपल कंपैरिजन देख लीजिए ओके यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा गुड्स ट्रेन हमेशा प्रॉफिटेबल होती है लेकिन पैसेंजर ट्रेन लेस प्रॉफिटेबल होती है कभी कभी नॉट प्रॉफिटेबल भी होती है राइट क्योंकि जितना वो कमाती है उससे ज्यादा तो उनका खुद का खर्चा हो जाता है दूसरा यहां पर आपको रिक्वायर्ड फ्यू स्टाफ एंड लेस मेंटेनेंस यहां पर मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं लगता स्टाफ क्या लगेगा आपको एक ड्राइवर लगेगा उस ड्राइवर को हम पायलट बोलते हैं लोको पायलट उसके साथ एक असिस्टेंट लोको पायलट और पीछे रहता है एक गार्ड बस उतना ही स्टाफ लगना है और मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं यहां पर आपको पूरा का पूरा एक स्टाफ की टीम लगेगी पूरी की पूरी एक ट्रेन भी चलानी है तो तो यह बहुत बड़ा फर्क है यहां एवरेज स्पीड है मात्र पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा यहां एवरेज स्पीड है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा जिसमें हाईएस्ट स्पीड आ गई है 160 किलोमीटर पर आवर राइट मुझे कमेंट रेड में जरा जल्दी से बताइए भारत में 160 किलोमीटर पर आवर पे भागने वाली अभी सबसे ज्यादा हाई स्पीड की ऑपरेशनल ट्रेन कौन सी है देखते हैं कमेंट्स में कितने लोगों को पता है भारत की उस ट्रेन का नाम बताइए जो इस टॉप स्पीड पे चलती है हालांकि 180, 190 किलोमीटर हंड्रेड है लेकिन 160 के आसपास इसको दौड़ाया जाता है तो उस ट्रेन का नाम क्या है राइट right. यहां कोई शेड्यूल्ड स्टॉपेज होते ही नहीं सबके सब अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज होते हैं जहां पर जगह मिली वहां पर उसको रोक दिया गया जहां पर दूसरी गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी है इस बेचारे को रोक दिया गया नो प्रॉपर टाइम टेबल इनका कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता राइट right. उधर प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर शेड्यूल होता है पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलती है ड्यू टू मोर लेस एफिशिएंसी एंड हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट जितना ज्यादा लेट होंगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी कम होगी और उसके वजह से क्या होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा मतलब आप समझो कि अगर किसी ट्रेन में ओके किसी ट्रेन में अगर मान लो दवाइयां जा रही है ठीक है दवाइयां जा, जा, जा रही है कपड़े जा रहे हैं टेक्सटाइल गुड्स मटेरियल जो भी चीजें जा रही हैं, कॉपर के वायर जा रहे हैं कुछ भी तो वो सबका सब महंगा हो जाएगा क्योंकि ट्रेन लेट होगी तो उसका कॉस्ट उसमें ऐड होता चला जाएगा इस वजह से क्या होता है भारत में जो लॉजिस्टिक्स होता है वर्ड ध्यान से देखो दोस्तों ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी वस्तु के बनने के बाद उस वस्तु का एक आम इंसान तक पहुंचने तक का पूरा का पूरा सफर उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स जैसे मान लीजिए कि खेतों में अनाज ग्रो हुआ वहां से वो कहाँ जाएगा मंडी में जाएगा मंडी से वो कहा जाएगा एफ के गोडाउन में जाएगा एफ के गोडाउन से वो कहां जाएगा राज्यों में जाएगा राज्यों से कहां जाएगा सरकारी राशन की दुकान में जाएगा सरकारी राशन की दुकान से फिर उसको राशन कार्ड दिखाकर खरीदेंगे ग्राहक और उसके बाद वो उनके घर पे जाएगा तो फार्मलैंड से लेकर लोगों के घर तक का ये जो पूरा सफर रहा इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक्स समझ में आया वैसे हर चीज का होता है जितनी भी चीजें फैक्ट्री में बनती है और वहां से अपने पास आती है वो सारी चीजों का दाम उसमें ऐड होता चला जाता है भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगता है क्योंकि हमारे यहां का ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो इतना बदला नहीं है और यही वजह है कि लॉजिस्टिक्स के वजह से हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं समझ में आया जबकि दूसरी तरफ इधर एफिशिएंसी अच्छी है एज कंपेयर टू फ्रेड ट्रेन ठीक है क्योंकि स्पीड से भागते हैं उसके बाद नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी आजादी के बाद से लेकर आज तक गुड्स ट्रेन में कोई खासा बदलाव कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ नहीं है जबकि पैसेंजर ट्रेन में जबरदस्त बदलाव हो गए हैं पैसेंजर ट्रेन में तेजस जैसी ट्रेन आ गई जिसमें आपको एलईडी स्क्रीन मिलेगी पैसेंजर ट्रेन में बायो टॉयलेट्स आ गए पैसेंजर ट्रेन में पूरी वाईफाई वाली ट्रेन आ गई पैसेंजर ट्रेन में अब चेयर कार वाले सिस्टम आ गए वंदे भारत जैसी पूरी की पूरी अटैच लोकोमोटिव वाली ट्रेन आ गई है गतिमान एक्सप्रेस ये भी भारत की एक सबसे शानदार फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है और आने वाले दिन में पैसेंजर ट्रेन में बुलेट ट्रेन भी बस आ ही रही है 2023-24 तक तो पैसेंजर ट्रेन ने अपने आप को बहुत बदला लेकिन यहां पर कोई भी खासे बदलाव नहीं देखे गए ये आपको कंपेरिजन समझ में आया ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है राइट यहां पर कुछ लोगों ने लिखा है गतिमान एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस ऑल। संदेश ने लिखा है राजधानी एक्सप्रेस राजधानी से ज्यादा आगे भागने वाले ट्रेन आ चुके हैं फिलहाल भारत में जो सबसे ज्यादा प्रूवन स्पीड वाली ट्रेन है दैट इज वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस को 180 किलोमीटर पर आर के स्पीड के लिए टेस्ट किया जा चुका है ट्रेन एटीन वाली ट्रेन है लेकिन दौड़ाया जाता है लगभग 160 के आसपास गतिमान भी 160 के आसपास की, की टॉप स्पीड है लेकिन चलती ऑन एन एवरेज वो 110, 120, 130 किलोमीटर के आसपास है समझ में आया चलेगा आगे बढ़ते हैं राइट अब देखते हैं कुछ और चीजें यस अब यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारत में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के बीच में बेसिक फर्क क्या रहा ये ब्रिटिशों के ज़माने की भारत की ट्रेन है ये देख लीजिए खिड़की से हम सीधा चले जाते थे अंदर ओके तो ये उस जमाने का एक दौर था आप और मैं उस जमाने का हिस्सा नहीं रहे बट तस्वीरों में देख सकते हैं ये है आज का दौर ओके ये आज का दौर है हम इस तरह की ट्रेनों में अक्सर बैठे हैं सो ये अभी का दौर है और ये है हमारा आने वाला फ्यूचर राइट तो आजकल आप भारतीय रेलवे के नए पोस्टर्स देखोगे ना हर रेलवे स्टेशन में आपको इस तरह के पोस्टर कॉमनली दिख सकते हैं उसमें से तीन कलर दिखाए जाते हैं आवर 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 पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सो इंडियन रेलवे इज वेरी प्राउड कि भाई ये हमारा पास्ट था ये हमारा आज है और वो हमारा कल होगा ये हम मतलब बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं लेकिन बेचारे गुड्स ट्रेन का पास्ट और फ्यूचर तो इनका पास्ट भी वही था इनका प्रेजेंट भी वही है अब सिर्फ इतना है कि क्या फ्यूचर में इसके लिए कुछ किया जा रहा है द आंसर इज येस आर डूंग समिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस डेवलप्ड फ्यूचर एंड फॉर दिस वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड सिंटिलेटिंग फ्यूचर ऑफ गुड्स ट्रेन राइट तो यहां से अब हम शुरू करते हैं कि फ्यूचर ट्रेन में अब हमको क्या नई टेक्नोलॉजी करनी है और क्या नया प्रोजेक्ट भारत सरकार इसके लिए कमिट कर रही है अब भारत सरकार इसके लिए जो कमिट कर चुकी है वो है डीएफसी जिसके बारे में मैंने आपको बताया अब डीएफसी के बारे में हम सारी चीजें नटशल में समझेंगे तो आई होप यहां से आपको सारी चीजें अब एक-एक करके समझ में आएंगी राइट क्लियर हो गया राइट right? चलिए तो अब फ्यूचर में हम करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम बनाने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को सबसे पहले मैं हिंदी में या मराठी में यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं इसको ध्यान से देख लीजिए डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित समर्पित राइट right? दूसरा फ्रेट का मतलब होता है माल वाहक ओके okay. और कॉरिडोर शब्द का मतलब होता है गलियारा गलियारा राइट right? तो टोटल मतलब क्या हो गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का समर्पित मालवाहक गलियारा एक ऐसा गलियारा ध्यान से सुनना अभी कुछ लिखना मत ध्यान से सुनो एक ऐसा गलियारा जो कि समर्पित रहेगा किसके लिए समर्पित रहेगा केवल गुड ट्रेन के लिए यानी मालवाहकों के लिए ही समर्पित रहेगा वहां उस गलियारे में क्या चलेंगी केवल गुड्स ट्रेन चलेंगी लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है यह प्रोजेक्ट कि गुड्स ट्रेन चला दो ये ट्रेन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से चलेंगी ये ट्रेन पुरानी ट्रेनों से कई ज्यादा एडवांस तरीके से चलेंगी और ये ट्रेन एक साथ कम से कम तेरह हजार टन का मटेरियल उठाकर चलेंगी आई रिपीट ये ट्रेन पुरानी ट्रेन के मुकाबले ज्यादा लंबी होंगी ये ट्रेन पुरानी ट्रेनों से कई ज्यादा फास्ट होंगी और ये ट्रेन लगभग लगभग तेरह हजार टन का मटेरियल कैरी करके चलेंगी तो इस वजह से यह प्रोजेक्ट अपने आप में दुनिया का अनोखा प्रोजेक्ट हो जाता है और अपने आप में बहुत से मामलों में यह दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होता है मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ दुनिया में हम पहला ही कर रहे हैं ऐसा इस तरह की ट्रेन पहले भी चलती आई है लेकिन इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडिया में आई I मीन mean इंडिया में जो हो रहे हैं वो वर्ल्ड में पहली बार हो रहे हैं राइट तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये जो गलियारा है ये जो गलियारा है ये दरअसल कहां है तो देखिए भारत में टोटल छ गलियारे बनाए हैं लेकिन मैं यहां पर आपके लिए आधा मैप लाया हूं जो दो गलियारे भारत में अभी शुरू किए गए हैं जिसका एक पार्ट शुरू किया गया है और दूसरा 2023 तक शुरू हो जाएगा वो ये आपके सामने है ये वाला जो गलियारा है इस गलियारे को बोला जाता है इस कॉरिडोर को बोला जाता है डब्ल्यू डी यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये वेस्टर्न क्यों क्योंकि ये जेएनपीटी मतलब मुंबई जे जो आपको दिख रहा है जे का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसको हम नावा शिवा भी कहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लेकर एक ऐसा रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है जो कि कहां तक जाएगा दादरी तक जाएगा ओके ये दिल्ली के पास है राइट यह पूरा का पूरा वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है इसलिए इसका नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा हम बना रहे हैं लुधियाना पंजाब से सीधा इस तरफ जाता हुआ दनकुनी नाम का एक स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है तो ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है ईडीएफ सी इसको बोला जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राइट तो ये ऐसे दो फ्रेट कॉरिडोर है ये वाला लगभग लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास का है जबकि ये वाला 1800 किलोमीटर से भी ज्यादा का है राइट और ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसका एक सेक्शन ये पूरा का पूरा एक ट्रैक में तो नहीं बन जाएगा इसको अलग अलग टुकड़े में बनाया जा रहा है अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग सेक्शन बोला गया है इसका एक 351 किलोमीटर का एक सेक्शन आज से चार महीने पहले फेबर के मंथ में शुरू भी हो चुका है राइट तो ये अलग अलग तरीके से ये बनाया गया है तो ये ईस्ट ये वेस्टर्न हो गया ये ईस्टर्न हो गया ऐसे नीचे साइड में और दो तीन और बनाए गए हैं पूरा मैप भी मैं लाया हूं वो भी आपको मैं बता दूंगा तो अब होगा क्या देखो यहां पर रेलवे ट्रैक बिछाई जाएंगी ठीक है मॉडर्न रेलवे ट्रैक्स बिछाई जाएंगी इन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर क्या चलेंगे भारी भरकम विशाल का है भारत के सबसे एडवांस गुड्स ट्रेन फ्रेट ट्रेन चलेंगे राइट और क्या चलेंगे और कुछ भी नहीं केवल फ्रेट ट्रेन ही चलेंगे मतलब भारत में गुड्स का मूवमेंट भारत में माल का मूवमेंट इतना इजी हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी हो जाएगा कि भारत में जहां तीस परसेंट का लगता था, 30 से दाम बढ़ जाते थे चीजों के वो घट के हम सीधे सीधे 8-10 सालों के अंदर उसको 8 पे ला सकते सकते हैं हैं अगर इतना कम हम कर सकते हैं, तो भारत में चीजों के दाम बहुत सस्ते हो जाएंगे भारत में एक जगह से दूसरे जगह गुड्स का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा भारत में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और ये रेल पटरी जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो ये इतने सारे शहरों को कनेक्ट करेगी इन शहरों से रेल पटरियां अगर कनेक्ट होती चली जाएंगी तो स्वाभाविक है कि इन शहरों में भी बिजनेस डेवलपमेंट होगा जमीन के भाव बढ़ेंगे यहाँ पर भी छोटे मोटे बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खड़े हो जाएंगे यहाँ पर भी बहुत सी फैक्ट्रियां बन जाएंगी और वो सारी फैक्ट्रियों से बिजनेसमैन अपने गुड्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे जो राजस्थान का व्यापारी अपना सारा माल राजस्थान में बेचता था अब वो दिल्ली तक बहुत आसानी से लेकर जा पाएगा चीज़ों को सस्ते में ले जाएगा आज भी लेकर जा ही रहा है लेकिन अब बहुत सस्ते में जो मुंबई का व्यापारी है वो अपना कोई भी ट्रांसपोर्ट दिल्ली तक बहुत इजीली पहुंचा पाएगा क्योंकि इस तरीके से ये रातों रात विद इन वन डे ये सब कुछ पहुंच जाएगा अब आप बोलेंगे सर विद इन वन डे जी हाँ क्योंकि ये ट्रेन को कोई स्टॉपेज नहीं होगा इन ट्रेन को स्टॉपेज इसीलिए दिया जाता था क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के वजह से इनको मजबूरी में रुकना पड़ता था अब ये पूरे के पूरे ट्रैक तो इनके लिए समर्पित होंगे तो ये किसी ना किसी शिफ्ट चेंज के समय रुकेंगे अदरवाइज ये नहीं रुकेंगे यहां पर आप जानते हो इतनी भारी भरकम ट्रेन होने के बावजूद इसकी स्पीड कितनी होगी ये चलेगी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगी ये ट्रेन मैं उसका वीडियो भी लाया हूं आपके लिए अब आप सोचो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फ्रेट ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है इंडिया में अभी वहां से वो सीधा 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रफ्तार पे चली जाएगी यानी लगभग लगभग तीन गुना हाई स्पीड पे होगा सारा काम जब ये सब कुछ बन के रेडी हो जाएगा ये अपने आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाएगा राइट और अनु, अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट को अगर नीचे के सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए कंप्लीटली तो भारत में आने वाले दस साल में यह एक प्रोजेक्ट से <coughs> 1.2 करोड़ जॉब्स निकाले जा सकते हैं अब ये आंकड़ा निखिल सर नहीं बोल रहे हैं हाँ ये आंकड़ा गवर्नमेंट बोल रही है गवर्नमेंट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट प्लस लॉजिस्टिक्स का प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का और वो सागरमाला उन सबको मिला ले तो 120 लाख यानी एक दशमलव दो करोड़ नौकरियां निकलेंगी जिसमें से 40 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स निकलेंगी और 60 लाख जो होंगी वो प्राइवेट जॉब्स निकलेंगी इतना पोटेंशियल इस एक प्रोजेक्ट में है भारत के राइट ऐसा सरकार का दावा है अब अगर ये बात झूठी भी होगी तो 50 साठ लाख जॉब वैकेंसी भी अगर निकल रही है तब भी इसमें दम है ऐसा हम कह सकते हैं राइट हाँ यस yes. कुछ और था सर प्लीज टेल वर्क प्रोफाइल ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं नहीं निखिल सर बोल रहे हैं क्या वेस्टर्न एंड सर ये ऑपरेशन एंड बीडी क्या ऑपरेशन एंड बीडी क्या होता है ऑपरेशन एंड बीडी डी कहाँ देख लिया आपने कौन सा ऑपरेशंस <coughs> का मतलब तो होता है द वे थिंग्स आर एक्चुअली मूविंग इन दैट वे हाँ dfcccil एग्जाम डिफिकल्टीज वेरी टफ ओके फाइन 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 ठीक है चलेगा यहां तक सारा पार्ट समझ में आया राइट right. हां अब देख लीजिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली इसके बारे में दो चार चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में आ सकती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत दरअसल 2006 में मनमोहन सिंह के जमाने में की गई थी राइट right. लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था भूमि अधिग्रहण का इतनी भयानक अगर आपको पूरी रेलवे ट्रैक बिछानी है नई जमीनें पूरी आपको अक्वायर करनी पड़ती है तो भूमि अधिग्रहण को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए थे इसीलिए यह प्रोजेक्ट इतना फास्टली उस समय शुरू नहीं हो पाया तो यह प्रोजेक्ट फिर वंस अगेन दो के आसपास से थोड़ा पेस में आया तो अभी इसका एटलीस्ट दोनों फेज जो है टू के आसपास कंप्लीट होगा राइट इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट को आप ऐसा मत समझना सरकारें सरकार दावा कर रही है तो ये वाली सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी ऐसा नहीं है भारत में ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे काम है जिसको लेकर दोनों सरकारों के बीच में दोस्ती ही है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है अभी नितिन गडकरी का जो नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है छत्तीस किलोमीटर नेशनल हाईवे वो पर डे बना रहे हैं तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स है ना इन सबके बीच में अपोजिशन और गवर्नमेंट का टाइप है कि आप हमारी आलोचना नहीं करेंगे हम आपकी आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि एनी हाउ ये देश के लिए जरूरी है तो दे हैव डिसाइडेड टू डू दैट दैट इज वो बहुत स्मूथली चल जाता है हेडक्वार्टर है डी एफ का न्यू डेली में मैनेजिंग डायरेक्टर है रविंद्र कुमार जैन ये नाम याद रखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है एक अभी नई वैकेंसी निकली हुई है सो ऑब्वियसली इसमें वो बढ़ोतरी करने वाले हैं और डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर का काम कोई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा दो बस उतना है ऐसा नहीं है डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर 2023 में कंप्लीट होगा कौन सा वेस्टर्न और ईस्टर्न फिर नीचे के भारत के नीचे के डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर और बाकी है ऐसे चार और बाकी है सो ऑब्वियसली ये अपने आप में एक परमानेंट जॉब की तरह से एक लंबा रिक्वायरमेंट है जो एक नया डिवीजन बनाया गया है ठीक है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे को पहले बोला गया था कि डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर जो है ये पूरा का पूरा आप ही आप ही शुरू करो लेकिन इंडियन रेलवे का बोलना ये था कि ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा तो हम ये एक्स्ट्रा बर्डन और नहीं उठाना चाहते इसलिए क्या किया गया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम से एक नई कंपनी शुरू की गई और फिर डी एफ सी सी आई एल ऐसा टोटल नाम बनाया गया और फिर डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस तरीके से यह पूरा पार्ट किया गया है ये इसको आप हटा दीजिए नोट ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा था उसको आप कॉपी मत करिएगा हाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अभी जो रेवेन्यू आ रहा है ये एक करोड़ रुपए के आसपास है पंद्रह मिलियन ये दो का है राइट दो के आंकड़े अभी आने बाकी है अब ये जो पार्ट है ये जो आप देख रहे हैं ये काफी छोटा सा प्रॉफिट है तो ये इसलिए है क्योंकि अभी बन रहा है बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से इसके लिए जो लोन मिला है उस लोन के हिसाब से अभी फिलहाल जितने में गुड्स मूवमेंट हो रहा है उसका ये रेवेन्यू आया है एक बार ये पूरा बन के चालू हो जाएगा उसके बाद वाकई में इंडियन रेलवे को एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट की उम्मीद इससे है राइट right? समझ में आ गया तो अब आप लोग एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए डी एफ सी सी आई एल और एक तीन चार लाइन का एक डेफिनेशन इसके साथ लिख लीजिए राइट right? चलेगा शुरुआत करते हैं <coughs> डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राइट हेडिंग डालिए और एक दो चार लाइन का डेफिनेशन लिख लीजिए चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए दीज आर द रेलवे रूट्स लिखिए दीज आर द रेलवे रूट्स दैट आर डेडिकेटेड टू दैट आर डेडिकेटेड टू That are dedicated to freight traffic movement. Freight traffic movement. Freight F R E G I S T freight. Freight Freight traffic movement only. Only. Full stop. DFC has many freight loading terminals. DFC has many freight. लोडिंग टर्मिनल्स यहां पर बहुत सारे टर्मिनल रहेंगे जहां पर मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग होगी मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको एंड नो पैसेंजर टर्मिनल्स एंड नो पैसेंजर टर्मिनल्स यात्रियों के उतरने चढ़ने का कोई इंतजाम नहीं होगा नो पैसेंजर टर्मिनल्स फुल स्टॉप ओनली फ्रेड ट्रेन विल रन ऑन डीएफसी केवल फ्रेट ट्रेन यानी मालवाहक गाड़ियां ही चलेंगी डीएफसी पर ओनली फ्रेट ट्रेन विल रन ओवर डीएफसी ओनली फ्रेट ट्रेन विल रन ओवर डीएफसी ओके फुल स्टॉप आखिरी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरा ध्यान से लिखिए द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट इज बोथ इज बोथ The project is both enabler and beneficiary of enabler. Enabler and beneficiary of beneficiary of enabler and beneficiary of other key government schemes. Other key K E Y key government schemes. यानी ये जो डी आई एफ डी डी एफ सी सी आई एल है ये बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट होगा तो कौन कौन से प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होगा इट इज बोथ इनेबलर एंड बेनिफिशियरी ऑफ अदर की गवर्नमेंट स्कीम्स, सच एज सच एज नाम लिख लीजिए सच एज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आगे देखेंगे क्या होता है स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंड स्टैंडअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया कॉमा मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया कॉमा भारतमाला भारतमाला प्रोजेक्ट ये भी रोड्स का है जिस तरह से डी सीआईएल ट्रेन का है वैसे भारतमाला जो है ये एक रोड का प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे का एंड सागरमाला एंड सागरमाला एंड सागरमाला राइट right? तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट के साथ ये DFC का प्रोजेक्ट एक साथ इंटीग्रेट होके चलेगा राइट कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया मेक इन इंडिया भारतमाला सागरमाला तो इन सब के साथ ये प्रोजेक्ट चलेगा तो एक साथ पूरे प्रोजेक्ट के असर आने शुरू हो जाएंगे ऐसा भारत सरकार का कहना है समझ में आ रहा है इसमें राइट हाँ चलेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों यस सो लेट्स गो हेड हाँ भाई हाँ अब जरा देख लेते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली कैसी होगी राइट तो ये आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए राइट ये देख लीजिए ट्रेन so रहेगी राइट अब यहां पर आप देख सकते हैं गाइस ये डबल स्टैक ट्रेन अरे यार सॉरी 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 मेरे वजह से फिर से रिपीट हो रहा है ये सॉरी हाँ ये देखिए ये इस तरह की ट्रेन रहेगी पूरी की पूरी डबल स्टैक ट्रेन नीचे कंटेनर है ऊपर एक कंटेनर है तो एक साथ दो दो कंटेनर वाली ट्रेन चलेंगी राइट और ट्रेन की लेंथ देख लीजिए आप ये ऐसी भीम का है विशाल ये लगभग लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी और ये पूरी की पूरी 100 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चलती चली जाएगी राइट और ये बीच में एक और इसमें वैग वैग नाइन का एक इंजन लगाया गया है सो दैट सपोर्ट मिले दिस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन ट्रेन की लेंथ देखिए आप कितनी भयानक है। तो so, ये पूरी की पूरी ट्रेन जो रहेगी ये एक बार में ये हजार टन का एक जगह जो भारत में अब बहुत इजीली शुरू होने जा रहा है ऑलरेडी एक फेज तो शुरू हो चुका है और दो तक ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेडली शुरू हो जाएगा लुक एट ये लगभग लग डेढ़ किलोमीटर का पूरा का पूरा आपने आ, ट्रेन का वीडियो देखा है राइट right. समझ में आया आपको राइट दिस इज द वे इट विल बी ओके सेकेंड राइट अच्छा अब इसमें एक चीज आपको और दिखानी है तो इसको जरा आप ये ये जरा ध्यान से देखिए आप हाँ यहां पर देखिए ये जो डबल स्टैक कंटेनर है ये जो आपको देख रहे हैं नीचे एक ऊपर एक इसको बोला जाता है डबल स्टैक कंटेनर एस टी ए सी के स्टैक एक नीचे एक ऊपर डबल स्टैक तो so, ये डबल स्टैक वाली टेक्नोलॉजी कैसी होती है जरा इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे राइट सो so, इसको प्लीज जरा आप याद रखिएगा कि हाउ दिस दिस विल गोइंग टू वर्क एक सेकेंड हा राइट अब देखिए ये जो डबल स्टैक आपने अभी अभी देखा ना यहां पर क्या होता है कि ये जो दोनों स्टैग हैं, ओके इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये इस तरह का एक एडजस्टमेंट होता है राइट ये एक तरह का लॉक सिस्टम होता है जो इन दोनों कंटेनर्स को एक साथ लॉक कर देगा राइट तो आपको ये दोनों कंटेनर्स को रख के बीच में इसको रख के टाइट करना होता है तो एक बार अगर ये फंस गया उसके बाद आपकी ट्रेन जैसी भी चले जिस स्पीड पे चले कभी कभी अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो गए बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गए बहुत ज्यादा शेकिंग हो रही है बावजूद उसके ये इजीली संभाल लेता है तो दिस इज समथिंग अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी जिसके वजह से ये डबल स्टैक बहुत इजीली मूव किया जा सकता है डिस्प्लेस किया जा सकता है राइट right. ओके okay. आगे देखते हैं यस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को चलाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंजिन बनाया गया है ये इंजिन का नाम है बेसिकली वैग 12, ओके okay. इस इंजिन का पूरा नाम है वैग ट्वेल्व यह इंजिन आप देख सकते हैं यह है वैग ट्वेल्व यहां पर वैग का बेसिक मतलब हो जाता है यह है वैगन यह हो जाएगा ए सी यानी कि करंट ए सी और जी का मतलब होता है गुड्स ओके okay. और बी बारह का मतलब होता है बारह हजार हॉर्स पावर ओके okay. तो यह इंजिन ऐसा है जो बारह हजार हॉर्स पावर जनरेट करता है तो ये जो इंजन है ये Elstorm नाम की की एक फ्रांस कंपनी है जिसके साथ इंडियन इंडियन रेलवे ने मिलकर ये इंजन बनाया है आपको ये मैं बता दूं कि ये इंजन अभी तक का दुनिया का दुनिया सबसे पावरफुल इंजन माना जाता है सो so, इंजिन को बेसिकली लोकोमोटिव कहते हैं हम तो लोकोमोटिव दिस इज द स्ट्रांगेस्ट लोकोमोटिव एवर क्रिएटेड एवर मेड इन द वर्ल्ड राइट और ऐसे दो इंजिन ये एक के पीछे एक ये पहला और ये दूसरा तो बेसिकली एक के पीछे ऐसे दो दो इंजिन एक साथ इसको पुल करेंगे राइट right? इन इंजिन में टोटल ओवरऑल जो पुल करने की कैपेसिटी होती है खींचने की कैपेसिटी होती है ये लगभग लगभग 180 टन के आसपास ये पुल कर सकते हैं 180 टन ये खींच सकते हैं अब 180 टन ये पूरा का पूरा खींच लेंगे पीछे इतनी लंबी गाड़ी है जो डेढ़ किलोमीटर चली आ रही है डेढ़ किलोमीटर पूरा खींचना है तो स्वाभाविक है कि बीच में एक इंजन और रखा गया है वैग नाइन वैग नाइन का मतलब क्या हो जाएगा ट्वेल्व का मतलब बारह हजार हॉर्स पावर तो वैग नाइन का मतलब क्या हो जाएगा नौ हजार हॉर्स पावर तो वो बीच में रखा गया है ताकि लोड बहुत ज्यादा ना हो स्ट्रेन बहुत ज्यादा ना हो उसके लिए एक बीच में भी एक इंजन दिया गया है इसमें राइट ये भी आपको याद रखना है ये बहुत सिंपल है जब भी आप ये लास्ट में जी देखेंगे किसी इंजन के ऊपर तो ये जी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मालगाड़ी का इंजन है और अगर आप ये पी देखेंगे पी कभी आप देखेंगे पी लिखा हुआ है वैप पी लिखा हुआ है तो पी का मतलब होता है पैसेंजर ट्रेन तो वो पैसेंजर ट्रेन का इंजन होता है बहुत सिंपल है ये राइट किसी ने पूछा तो आपको क्या बोलना है केवल ये अलस्टॉम ये फ्रांस की कंपनी है राइट तो हमने जो इंजिन है ये फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में बनाया है आगे बढ़ते हैं यस अब ये एक पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसको आप ठीक से समझने की कोशिश करिएगा जो अभी हमारी जो मालगाड़ियां हैं ये मालगाड़ियों की हाइट कितनी हुआ करती थी 4.2 मीटर के आसपास राइट अब हमारी जो मालगाड़ियां होंगी उसमें बोगी की यानी उस वैगन की हाइट कितनी हो जाएगी 7.1 मीटर के आसपास हो जाएगी यानी ज्यादा मटेरियल आप भर पाओगे ओके विड्थ, बोगी की पहले विड्थ कितनी थी तीन मिलीमीटर यानी थ्री मीटर अब कितनी हो जाएगी 3.6 मीटर तो ये ज्यादा चौड़ा रहेगा राइट तो इधर भी आप ज्यादा सामान भर पाएंगे कंटेनर स्टैक एक बोगी का ओवरऑल साइज बेसिकली ये सिंगल स्टैक था इसके ऊपर डबल होता ही नहीं था लेकिन अब आप एक एक इधर और एक ऊपर तो दो तो ये डबल स्टैक हो जाएंगे यानी लगभग लगभग डेढ़ किलोमीटर ट्रेन ऐसी डेढ़ किलोमीटर और ऊपर बिठा लिया है मतलब टोटल ट्रेन की लेंथ हो जाएगी तीन किलोमीटर के आसपास अगर हम सब कुछ एक लाइन में लगा दे तो इतनी भयानक ट्रेन रहेगी ट्रेन की लेंथ दरअसल 700 मीटर की ठीक है भारत में जितने भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना जिसको हम बोलते हैं लूप लाइन जहां पर प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से मतलब यानी यात्री चढ़ते उतरते हैं जहां पर लोडिंग अनलोडिंग होती है वो सारे प्लेटफॉर्म दरअसल 700 मीटर के बनाए जाते हैं क्योंकि 700 मीटर में पूरी की पूरी ट्रेन संवानी चाहिए प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकिन अब ये वाली ट्रेन ये तो 1.5 किलोमीटर की हो जाएगी तो आपको स्टेशन भी उतने लंबे करने पड़ेंगे तो यह स्टेशन जो होंगे वो भी अच्छे खासे डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर के नए स्टेशन बनाए जाएंगे क्योंकि ट्रेन की लेंथ ही 1.5 किलोमीटर के आसपास तक चली जाएगी पूरी की पूरी राइट उसके बाद ट्रेन का लोड यहां पर पांच टन आएगा राइट और यहां पर तेरह टन आएगा पांच हजार से लगभग लगभग तीन गुना ज्यादा अगर हमने यहाँ पर पूरा पैक ओवरलोड कर दिया तो यह पंद्रह हजार टन तक भी कैरी कर सकता है लेकिन आमतौर पे इसको तेरह हजार टन पे रन करना है तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन द कंपैरिजन पार्ट ऑफ दिस जो कि आपको समझ में आना चाहिए राइट आई होप दिस इज क्लियर विथ यू तो ये अपने आप में बहुत नया एक रिवॉल्यूशनरी पार्ट रहेगा आई डोंट नो मतलब uh, इसमें नए चेंजेस जो है इसको आप लोग किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं बट दिस इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग ओके नाउ अब एक और पार्ट है इसमें वाई डू वी नीड डी एफ सीज ओके हालांकि इसके ऊपर काफी देर से मैं काफी बातें कर चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं इसको क्लियरली बता देता हूं ध्यान से देखिए वाई डू वी नीड डी एफ सी इधर देखिए दोस्तों भारत में दो तरह के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अभी तक यू you नो know, भारत सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक रहे ओके okay. जिसमें से एक है ये डायमंड सॉरी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इसको ध्यान से समझिए ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ये अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था एक सेकेंड थोड़ा सा आगे निकल गए हम हां ध्यान से सुनिए इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था ध्यान से सुनना ये कहलाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यह देखने में किसी स्वर्णिम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखता है इसलिए इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राइट यह दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई ये चार मेट्रो सिटीज को बाकी सारे छोटे छोटे सिटीज के साथ कनेक्ट करता है राइट right? यह जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है यह भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आज के डेट में यह वाहन करता है सबसे ज्यादा यह बेयर करता है तो आप देखिए भारत में 50 परसेंट पैसेंजर ट्रैफिक इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे आता है 58 परसेंट का फ्रेड ट्रैफिक यानी जो गुड्स का मूवमेंट होता है 58 परसेंट वो इस ट्रैक के ऊपर आता है ये सबसे बिजी ट्रैक है और अभी अभी पीयूष गोयल का जो मैंने आपको बोला था कि ये उनका एक बयान आया था वो भी इसी के ऊपर आया था कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन आता है तो हमें ऑब्वियसली इसका एक सब्सिट्यूट जल्द से जल्द तैयार करना था इसीलिए हमने ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया है समझ में आया आपको अब ध्यान से देखिए रेल रूट इज कंसिडर्ड कंजेस्टेड इफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एटी परसेंट एंड द रूट आर कंजेस्टेड राइट किसी रेल रूट को हम कंजेस्टेड बोलेंगे अगर वहां पर 80 प्रतिशत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा होगा और ये जो आप देख रहे हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है दोस्तों 150 आज के डेट में यहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैचास तक चला जाता है तो स्वाभाविक है कि वो बर्डन को कम करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहां मैक्सिमम पैसेंजर इसी रूट पर ट्रेवल करते हैं राइट अब एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं एक मिनट जरा आपके कमेंट्स देख लेता हूं राइट right, तो ये ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का है ठीक है यहां पर नेशनल हाईवे होते हैं अब ऐसा ही एक सेम और आगे एक प्रोजेक्ट है राइट right? ये है गोल्डन डायमंड क्वाड्रिलेटरल का ये ट्रेनों का है ध्यान से देखना ये ट्रेनों का है ये दिख रहा है आपको दिल्ली ये आपको दिख रहा है कोलकाता ये चेन्नई ये मुंबई राइट right? तो यहां से यहां तक के लिए ये ट्रेन का एक माया जाल बनाया गया है लेकिन वंस अगेन ये किस लिए है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए है यहां पर बुलेट ट्रेन भागेंगी यहां पर शताब्दी एक्सप्रेस भागेंगी यहां पर राजधानी ट्रेन भागेंगी ये इंसानों के लिए बनाया गया है तो बेसिकली इसमें डायगनली भी ट्रेन के रूट्स बनाए गए हैं तो मुंबई कोलकाता और दिल्ली चेन्नई इसके लिए भी रूट रखे गए हैं तो ये देखने से किसी एक पतंग की तरह दिखता है बेसिकली। इसको का था, ये था का। लेकिन ये दोनों से ही भारत में गुड्स का मूवमेंट जो है वो तो कम नहीं हो रहा है ना गुड्स का मूवमेंट तो कम नहीं हो रहा है तो गुड्स के मूवमेंट के लिए हमको ईस्टर्न और वेस्टर्न अलग से बनाना पड़ा है समझ में आया आपको बेसिकली ये उसके पीछे का एक बहुत रीजनेबल पार्ट है राइट right? सर ये इंडियन मेड है क्या लक्ष्मण कह रहे हैं ये इंडियन मेड है क्या लक्ष्मण साहब आपको बहुत प्राउडली मैं बता रहा हूं ये 70 टू 80 परसेंट इंडिया का है ये जो ट्रैक बनाई गई है सबकी सब इंडियन इंजीनियर्स ने बनाई है राइट right? वो जो इंजन है वैग 12 वाला इंजन वो हमको फ्रांस की मदद से मिला है लेकिन उसमें इंडियन इंजीनियर्स के साथ कोऑपरेट करके आई मीन I mean, कोलैबोरेट करके बनाया गया है हमने सिर्फ एक मशीन वो ट्रैक लेंग मशीन बाहर से मंगाई है बाकी सब कुछ हमने खुद बनाया है दोस्त तो ऑब्वियसली मतलब आप ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करिए कि इंडियन इंजीनियर्स ये कर नहीं सकते वो चेनाब वाला रेलवे रिवर ब्रिज हमने खुद बनाया है तो ये वाला पार्ट भी काफी हद तक हमने खुद ही किया है यार वो वंदे भारत एक्सप्रेस हमने खुद बनाई है आईसीएफ कोच फैक्ट्री चेन्नई में तेजस एक्सप्रेस हमने खुद बनाई है तो स्वाभाविक है कि ये प्रोजेक्ट में भी इंडियन इंजीनियर्स का लगभग लगभग पूरा दिमाग इसमें लगा है राइट हाँ अब मैं एकदम ऐसा ब्लंटली नहीं बोल सकता कि सब कुछ इंडिया क्योंकि थोड़ा बहुत तो फॉरेन कोलैबोरेशन हमारा हुआ है लेकिन बाय एनी मीन इसको काफी हद तक इंडिया में हमने किया है राइट हाँ अब देख लीजिए एक पार्ट और है इसमें एम्स इसके एम्स क्या क्या हैं एफ जो चलेगा ये इसके बेसिक एम क्या क्या रहेंगे क्या करना है इस डी को सबसे पहले सबसे पहले तो एडिशनल रेलवे का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फ्यूचर की सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जरूरी है वो बनाया जाएगा दूसरा सेग्रीगेशन और स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ फ्रेड ट्रैफिक आज से पहले क्या होता था कि मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन एक ही रूट पे चलती थी अब उनके लिए एक समर्पित ट्रैक होगा पैसेंजर ट्रेन उधर नहीं जाएंगी और गुड्स ट्रेन इधर नहीं आएंगी तो वो अपने अपने ट्रैक पे चलेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा पता है पैसेंजर ट्रेन वाला जो ट्रैक है उसको भी अब कम मेंटेनेंस लगेगा आप ध्यान से सुनो ये पैसिव एडवांटेज है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं इसी ट्रैक पे पैसेंजर ट्रेन भी चलती थी गुड्स ट्रेन भी चलती थी अब गुड्स ट्रेन नहीं चलेंगी तो इस ट्रैक का मेंटेनेंस ज्यादा अच्छे से हो पाएगा ये ट्रैक ज्यादा दिन तक टिका रहेगा तो एक्सीडेंट्स कम होंगे तो पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड काफी अच्छे से कवर हो पाएगी यस और नो ये तो आप मानते हैं तीसरा रनिंग फ्रेड ट्रेन एज पर द डेफिनाइट टाइम टेबल एक डेफिनाइट टाइम टेबल के हिसाब से फ्रेड ट्रेन चलेंगी आपको एक बहुत दिलचस्प चीज बताऊं ये जो फ्रेड ट्रेन चलाई जाएंगी ना आपको पता है ये मान लो कि दादरी से लेकर मुंबई तक ठीक है ये मैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर डब्ल्यू का आपको रूट बता रहा हूं दादरी से मुंबई तक दादरी कहां है दिल्ली के पास है तो इतने एरिया में 120 ट्रेन वन साइड से चलेंगी और उधर से 120 ट्रेन और आएंगी न यू बिलीव यानी एक सौ बीस ट्रेन इधर से 120 सौ बीस ट्रेन इधर से 240 सौ ट्रेन के आसपास का ट्राफिक यहां पर अकेले अब ट्रेन की स्पीड लाजवाब यानी हंड्रेड किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से डेढ़ किलोमीटर लंबी ट्रेन जिसके सर के ऊपर और डेढ़ किलोमीटर है और जिसमें तेरह हजार टन का माल रखा हुआ है उस ट्रेन को आप सौ किलोमीटर के स्पीड से भगा रहे हो यानी इसमें स्पीड भी उतनी ज्यादा मेंटेन की जाएगी तो आप ही सोचो इतने स्पीड के हिसाब से जब वो भागेगी तो उसका ट्रैक भी उतना ही मजबूत लगेगा तो ये सब कुछ इंडियन इंजीनियर्स ने किया है उसके बाद लेटेस्ट यूज एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ ट्रेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विद ऑप्टिमम यूज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है बने रहिएगा आखिरी तक बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है इसमें इंक्रीज शेयर ऑफ द रेल ट्रैफिक बाय ऑफरिंग कस्टमाइज लॉजिस्टिक्स टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड मार्केट देखिए दोस्तों एक सिंपल सी बात है ओके इसको प्लीज ध्यान से समझना होता यह है कि जब आप इस तरह के कोई नए प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट जुड़ जाते हैं जुड़ जाते हैं राइट एक कॉलेज अगर कहीं खुलता है तो कॉलेज के आसपास हॉस्टल खुल जाते हैं अगर कोई कॉलेज खुलेगा तो उसके आसपास मेस चालू हो जाएंगी उसके आसपास चाय के स्टॉल टी के स्टॉल है ना समोसे नाश्ते के कैंटीन शुरू हो जाएंगे स्टेशनरी फोटो कॉपी जेरोक्स मशीन सब शुरू हो जाता है तो बेसिकली वो कॉलेज अपने आप में एक छोटी मोटी इंडस्ट्री की तरह हो जाता है ठीक वैसे ही जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा तो उसके साथ साथ और बहुत से पैरल बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली रन होने लगेंगे और वो भी करना ही है क्योंकि ओवरऑल ये जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत सरकार के हिसाब से है राइट आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब इसमें और क्या चीजें हैं यस yes. इसमें दो बातें यस yes. अब जो दो चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना ढंग से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं अल्टीमेटली देखो आप ये रेल पटरियां तो लोगे आप इसमें से मटेरियल दौड़ाओगे राइट लेकिन इन सारी रेल पटरियों के आजू बाजू के एरिया में आपको बहुत सारे मटेरियल के लोडिंग और अनलोडिंग का इंतजाम करना पड़ेगा यस और नो भाई रेल पटरी तो अपने ट्रैक के हिसाब से अपने रूट के हिसाब से जाएगी ठीक है लेकिन उसके आसपास के एरिया में आपको पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स का एक माया जाल खड़ा करना पड़ेगा राइट इसीलिए भारत का ये जो डीएफसी सीआईएल का प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के आसपास आपको लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने पड़ेंगे क्या बनाने पड़ेंगे लॉजिस्टिक्स के पार्क बनाने पड़ेंगे मैंने इससे पहले लॉजिस्टिक्स पार्क के ऊपर आपका एक एक्सक्लूसिव सेशन सेशन संडे मेगा में लिया आज से दो महीना पहले और लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर बैंकिंग में एक क्वेश्चन भी था कि भाई सबसे पहला लॉजिस्टिक पार्क कहां आ रहा है वो आसाम में आ रहा है और उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क बेसिकली सबसे बड़ा कौन सा है वो गुजरात का है तो आपको ये सब बातें पता है लेकिन लॉजिस्टिक्स पार्क बेसिकली क्या होता है जरा एक पल के लिए आप ढंग से समझिए देखिए ध्यान से देखना ये है रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल जाएगा फैक्ट्री में फैक्ट्री से ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिस्ट्रीब्यूटर से, ये पास, से ये जाएगा होलसेलर के पास होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास और रिटेलर से जाएगा ये आपके और मेरे पास राइट तो ये जो पूरी की पूरी चेन होती है इसको आप जितना फास्ट और जितना इफेक्टिव बनाओगे उतना ज्यादा लॉजिस्टिक्स आपका मजबूत होगा आमतौर पर अगर आपकी कोई चीज दस रुपए की बन रही है फैक्ट्री में मान लो दस रुपए की उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो एंड कस्टमर तक आते, आते आते आप अंदाजा लगाओ वो कितने की होगी एंड कस्टमर तक आते आते भारत जैसे देश में ये 18 से 19 रुपए की हो जाती है कैन यू बिलीव तो 10 रुपए की चीज ऑलमोस्ट डबल हो जाती है भारत में क्योंकि हमारा ये जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है ये भगवान भरोसे बहुत खस्ता हाल चलता है क्यों क्योंकि हमारे यहाँ रोड अच्छे नहीं है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के साधन अच्छे नहीं है हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यहाँ किसानों से ज़मीन लेना भूमि अधिग्रहण करते हुए ये सब करना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है इस तरह के चीज़ों में ये लॉजिस्टिक्स बहुत बेकार होता है लॉजिस्टिक्स जर्मनी जैसे देश में सबसे शानदार है जहां पर यह दस रुपए की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा ग्यारह रुपए में बेचती हुई मिल जाएगी क्योंकि उनका लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा है चाइना का यह लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा है तो भारत भी अब यह लॉजिस्टिक्स को अच्छा करेगा और इस लॉजिस्टिक्स को डीएफसी के प्रोजेक्ट से जोड़ देगा सो so, होगा क्या कि बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क बनेंगे और वो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएंगे किसके साथ ये सुपर फास्ट ट्रेनों के साथ तो इन दोनों का मिश्रण इतना सॉलिड रहेगा कि ओवरऑल गुड्स का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होगा अब देख लीजिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे ओके आई शेल शो यू दिस ओके अब देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भारत में बनने जा रहे हैं ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो होंगे ये देखिए इंडिया इज बर्डन विथ हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विच अकाउंट फॉर थर्टीन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स पूरे गुड्स का तेरह प्रतिशत केवल ट्रांसपोर्ट का खर्चा है अपना ओके ओके सोल्ड इन द इकोनॉमी एज कंपेयर टू एट परसेंट इन द मेजर इकोनॉमीज़ जबकि दुनिया के दूसरे देशों में ये केवल आठ परसेंट है तो हम लगभग लगभग डबल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का खर्चा करते हैं एवरेज कॉस्ट टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ द वन कंटेनर इन इंडिया इज अबाउट सेवेंटी टू परसेंट हायर देन चाइना आता है वो बहत्तर प्रतिशत ज्यादा है चाइना से कैन यू बिलीव तो हमारे पास कितना स्कोप है चीजों को कम करने का और उसको अब किया जा रहा है राइट सो वी आर होपुल बहुत अच्छे से अब देखिए यह है लॉजिस्टिक पार्क की एक शानदार तस्वीर यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसको ध्यान से देखिए ये देखिए ये ऐसे पूरे के पूरे लॉजिस्टिक्स लगे हुए हैं अब यहां से कोई जहाज आएगा ये अपना मटेरियल पर अनलोड करेगा अनलोड करने के बाद उसको यहीं से मटेरियल मिलना चाहिए ना नहीं तो खाली थोड़ी जाने वाला तो ऑब्वियसली यहां पर बहुत सारा यहां पर कंटेनर कार्गो यहां पर रहेंगे अब ध्यान से सुनना ये है लॉजिस्टिक पार्क यहीं पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी ध्यान से देखिए इधर देखिए ओके यहीं पर आपको इस तरह के ट्रक्स और नेशनल हाईवे भी मिलेंगे जो मटेरियल लाके यहां डम करेंगे यहीं से समुद्र है सामने तो यहीं से शिप्स में ये सब कुछ लोड अनलोड होगा और यहीं पर आपको इस तरह की ट्रेन भी मिलेंगी डबल स्टैक वो डीएफसी वाली यानी ये लॉजिस्टिक पार्क ये नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे भी यहां से गुजरेगा यहीं पर ट्रेन के स्टेशंस भी होंगे लोडिंग अनलोडिंग जिसको डिपो स्टेशन बोलते हैं और यहीं पर क्या होगा शिप्स का बंदरगाह भी होगा तो ऐसा एक पॉइंट चुना जाएगा जहां पर इन सब का एक साथ सम्मेलन होगा नाव दिला है पार्क पार्क अदरवाइज उसको पार्क बोलने की जरूरत ही नहीं थी भारत में से बहुत सारे पार्क होते हैं ये लॉजिस्टिक पार्क है ऐसा ही एक टेक्सटाइल पार्क होता है ऐसा ही एक फूड पार्क होता है और ऐसा ही एक आईटी पार्क होता है आईटी पार्क तो आप मुंबई में देख सकते हो पुणे में देख सकते हो हिंद्रवड़ी में राइट तो ये जो है ये सबका सम्मेलन होता है ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्क से भारत में माल का मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा अब यहां पर लोडिंग अनलोडिंग के लिए शानदार टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी और इससे डीएफसी के लिए जो जो आपको पैसेज मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा ये समझ में आया क्या राइट लेट मी जस्ट सी योर कमेंट्स यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ क्या ओके okay, एक बार ओके नॉट ओके बता देना मुझे राइट यस हा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया राइट right? हाँ समझ में आया हा क्लियर हो गया लाइक मुंबई कोलकाता फाइन ओके अब नेक्स्ट पार्ट और आपको एक और चीज बता देता हूं जिस तरह से ये लॉजिस्टिक्स पार्क काम करेंगे ठीक वैसे ही हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी होते हैं अब ये एक कंसेप्ट और ढंग से समझना है दोस्तों और ढंग से तो प्लीज पांच मिनट का पेशेंस रखना है कहीं जाना नहीं है सुनना है ध्यान से हर चीज को सुनना है समझना है जीडी हो चाहे इंटरव्यू हो एक एक बात आपके भेजे में जानी चाहिए आज समझ में आ रहा है राइट टेक्निकल लेक्चर्स के लिए उतना स्ट्रॉन्ग मन बनाना पड़ता है तो प्लीज बने रहिए बने रहिए सामने देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मैंने क्या बताया था भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं बहुत सारी कंपनियां हैं चेन्नई विशाखापट्टनम बेंगलुरु कन्याकुमारी दिल्ली अमृतसर मुंबई पुणे भी ले लो आप यहां पर कोलकाता ये सब इंडस्ट्रियल शहर है भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर है राइट अब ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज है ये सारे इंडस्ट्रियल सिटीज में क्या होता है ध्यान से देखना इस इंडस्ट्रियल सिटी से इस इंडस्ट्रियल सिटी के बीच में एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बना बनाने जा रही है भारत सरकार कोरिडोर का मतलब क्या होता है गलियारा ठीक है तो ये गलियारा कैसा रहेगा ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक हम नेशनल हाईवे बनाएंगे यहां से लेकर यहां तक हम एक्सप्रेस वे भी बनाएंगे एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे से भी बड़ा होता है राइट उसमें छ लेन होती है यानी तीन ट्रक इधर से तीन ट्रक इधर से इतनी जगह मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे ट्रेवल किया कि नहीं किया आपने उस टाइप का ठीक है उसके आजू बाजू में जितने शहर आएंगे वो सारे शहरों को हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर देंगे इसीलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द क्या चलता है भारत में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चलता है अपना औरंगाबाद भी किसी ना किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में आता है इसीलिए वो भी एक स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ है समझ में आया आज नहीं कल बन जाएगा तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलेगा तो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे अब इंडस्ट्रियल क्यों बोला गया है क्योंकि हर जगह यहां पर फैक्ट्रियां होंगी और ये हर तरफ से फैक्ट्रियों से प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन इन्हीं डी के थ्रू आगे बढ़ाया जाएगा नेशनल हाईवे के थ्रू मूव किया जाएगा एक्सप्रेस वे के थ्रू मूव किया जाएगा और उनको कहां लाया जाएगा पता है ध्यान से सुनना <laughs> उनको लाया जाएगा भारत के ये समुद्र तट वाले एरिया में इस एरिया में लाया जाएगा राइट right. यहां पर भारत के नौ राज्य हैं भारत में नौ राज्य ऐसे हैं जिनके पास समुद्र तट है वहां उन नौ राज्यों में हम कम से कम 24 बड़े बड़े आधुनिक बंदरगाह बना रहे हैं और उन 24 बंदरगाहों से फटाफट एक्सपोर्ट होगा सब कुछ राइट ये सारे एक्सपोर्ट के थ्रू हम जो एरियाज आप भारत के आजू बाजू के कंट्रीज जिनको हम आज तक टारगेट नहीं कर पाए थे उन सबको अब हम टारगेट करने लग जाएंगे समझ में आ रहा है ओवरऑल तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेसिकली एक जाके समा जाएगा किसके साथ ये प्रोजेक्ट के साथ और इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है सागरमाला प्रोजेक्ट बेसिकली तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सागरमाला प्रोजेक्ट का एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आई मीन सागरमाला प्रोजेक्ट इसका एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा क्लियर हो गया राइट हां पीपीटी में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी इसको आपको बहुत इतमान से सुकून से पढ़ना है समझना है राइट right? यस yes. अब देखिए एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज बेसिकली कॉरिडोर कम्प्राइजिंग ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस दैट वुड पास थ्रू द स्टेट्स एज मेनी आर्ट्री ये देख लीजिए ये भारत के सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं राइट अब मैं एक एक करके ये सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम लिख दे रहा हूं सबसे पहला है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसको डीएमआईसी बोलते हैं दूसरा है ए के आई सी ये देखो ये है नंबर दो ए के आई सी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फिर तीसरा एक है बैंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोरिणो, बीसीआईसी ये भी एक है फिर उसके बाद देर इज वन मोर दैट इज कॉल्ड विशाखापटनम कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये वाला भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और फिर एक है चेन्नई गोवा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये इधर से लेकर ऐसा कनेक्ट हो जाएगा ये गोवा तक है बेसिकली ये ऐसे अलग 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 अलग, अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चल रहे हैं ठीक है थीके? ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेसिकली भारत में बहुत सारे गुड्स मूवमेंट को बहुत ईजी बना देंगे हाँ यहां पर दिल्ली मुंबई है बैंगलोर मुंबई है अच्छा बैंगलोर मुंबई एक है ये द, डाल देते हैं चेन्नई बेंगलुरु वो हमने लिया है वाईजैक चेन्नई वाइजैक चेन्नई वीसीआईसी और अमृतसर कोलकाता वो हमने लिया है ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसके साथ कनेक्टेड होंगे समझ में आया हाँ अब वापस चलते हैं हा ये देखिए ये है हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इतने सारे एडवांटेज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने से प्रोडक्ट्स के दाम कम होंगे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इजी डिलीवरी बढ़ेगी गुड्स की प्रेजेंट डिस्ट्रेस जो माइग्रेंट माइग्रेंट वर्कर्स की जो मूवमेंट हो रहे हैं बहुत तेजी से उनको काम नहीं मिल रहा है तो वापस जा रहे हैं वो काफी हद तक रुक जाएगा और जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाएगा तो एक बात तो तय है कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया आने लगेगा ये इसके फायदे होंगे लेकिन अब फायदे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने चैलेंजेस भी तो हैं ये सब कुछ एकदम हरा हरा जैसा दिख रहा है वैसा एकदम ग्रीन फील्ड तो नहीं हो जाएगा चैलेंजेस क्या हैं सबसे पहला लार्ज ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट जितना आप जमीन खरीदोगे उतना ज्यादा लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विशन जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज आज के डेट में गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज ऐसी है कि जिसको लेकर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं है तो इस तरह की पॉलिसीज को आसान बनाना जरूरी है मध्य प्रदेश की कंपनी का अभी अभी फ्रांस की एक कंपनी के साथ बहुत जबरदस्त यू नो डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि वो कंपनी बैकआउट करना चाहती है और भारत सरकार बैकआउट के नियम बहुत अजीब से बना के रखी है तो पॉलिसीज़ आसान होनी चाहिए एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं होने चाहिए तीसरा वाइडनिंग रूरल अर्बन गैप कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे हैं कि इसके साथ अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा तो इस तरह के प्रोजेक्ट है ना जो बहुत सारा एक आर्थिक गैप ले आएंगे समाज में डिस्ट्रक्शन ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड जो एग्रीकल्चर की अच्छी लैंड थी कहीं ना कहीं वहां पर अब ये सारे प्रोजेक्ट्स के साथ वो लैंड खराब हो जाएगी और उसके बाद लैंड ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अब इन दोनों चीजों के बीच में एक राइट बैलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे बनाएगी ये अपने आप में चैलेंज होंगे इसको पूरा करने जाएंगे तो इसके ऊपर आलोचना होगी इसके तरफ ध्यान देंगे तो नौकरियों का इंतजाम नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आपको तय करना होगा राइट आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा पार्ट और रह गया बस के विल अप। ये सागरमाला प्रोजेक्ट के है आप कभी से देख लीजिएगा बहुत कॉमन है ये हाँ यहाँ पर आप देखिए ये लॉजिस्टिक्स पार्क है ये भारत का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और ये भारत का डी है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कहने के लिए एक ट्रेन के ऊपर एक ट्रेन चल रही है लेकिन बात उतनी आसान नहीं है वो उसको जोड़ा गया है लॉजिस्टिक्स पार्क से और उसको जोड़ा गया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से ये तीनों का समागम होगा तब जाके भारत में भारत सरकार के हिसाब से 1.2 करोड़ जॉब्स के आसपास वैकेंसीज निकलेंगी और सवा परसेंट के आसपास भारत की जीडीपी आगे बढ़ जाएगी यह अनुमान है समझ में आ रहा है बेसिकली राइट right. तो ये तीनों एक इंटीग्रेटेड पार्ट है एक दूसरे के साथ है ना Yes, ये पूरे के पूरे भारत के सारे डीएफसी से देख लीजिए सबसे पहला ईस्टर्न जो हमने देखा ये लुधियाना से तक चलेगा ये छप्पन किलोमीटर का है दूसरा है वेस्टर्न ये दादरी से लेकर जे तक चलेगा ये 1504 किलोमीटर का है इन दोनों की टोटल कॉस्टिंग आई है इक्यासी हजार करोड़ रुपए 2023 तक की पूरी कॉस्टिंग है ये इक्यासी हजार मैं आपको बोल रहा था ना चार लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है यह इस वजह से है तीन और हैं इनफैक्ट चार और हैं जो सैंक्शन हो रखे हैं ईस्ट वेस्ट ये चलेगा मुंबई से कोलकाता के बीच में दो किलोमीटर का नॉर्थ साउथ ये दिल्ली से चेन्नई के बीच में दो किलोमीटर का ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर यह खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक चलेगा 1114 किलोमीटर का ये तीन आने वाले दिनों में 2030 तक बनने वाले हैं ये शुरू के दो 2023 तक रेडी हो जाएंगे ये 2030 तक रेडी हो जाएंगे और ये एक बार अप्रूव होने के बाद रेडी होगा टू बी अप्रूव्ड ये है सदन डीएफसी ये माडगांव ये बेसिकली गोवा की बात कर रहा है गोवा से चेन्नई तक का चलेगा ये डेडिकेटेड फ्रेड कोरिडोर ये आठ किलोमीटर का है समझ में आया ऐसे टोटल छह डी हैं भारत में जो बन रहे हैं आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इज दैट ओके विथ यू ये क्लियर है राइट right? इसका चाहो तो आप एक स्क्रीन शॉट लेके रख लो या इसको आप चाहो तो एक बार ठीक से देख लो राइट right? यहां तक सब कुछ ओके okay है आगे बढ़े राइट right? चलिए अब आपको कुछ हाँ ये मैप वाइज आप देख सकते हो ये पूरे के पूरे डीएफसी एफ है नंबर दे देता हूं मैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए देखिए ये है डीएफसी नंबर वन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसके बाद आ, ये आ जाएगा चेन्नई से किधर गया हाँ ये है ईस्टर्न ये वाला ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नंबर तीन उसके बाद आ जाएगा ये मुंबई से कोलकाता ये हो जाएगा नंबर चार उसके बाद फिर एक आएगा ये वाला नंबर पांच राइट और एक है ये देखिए ये बीच में ये दिख रहा है आपको दिल्ली से चेन्नई ये आ जाएगा नंबर छः तो ऐसे ये छह अलग अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होंगे समझ में आ गया राइट right. चलिए अब आगे और देखते हैं थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है राइट हाउ डीएफसी विल वर्क अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है इसको ध्यान से देखना डीएफसी काम कैसे करेगा ये देखिए अब एक वीडियो में लेकर आया हूं ये वीडियो आपको बहुत ईजिली समझा देगा कि डीएफसी दरअसल काम कैसे करेगा ये देखिए यह है एक ऑटोमेटिक रेल लाइंग लेइंग मशीन ये इस तरह की एक भारी भरकम मशीन होती है दोस्तों ये फ्रांस से लाई गई है यह मशीन एक दिन में कम से कम सैकड़ों किलोमीटर का ट्रैक बिछा देती है इसमें कोई पुरानी टेक्निक नहीं होती ये एक साथ सारा प्रोसेस करती चली जाती है ये बार्ज रखती चली जाएगी और ये रेलवे ट्रैक को देखो ये गिट्टी ये यहां से ये कंक्रीट डालती चली जाएगी ट्रेन आगे बढ़ती चली जाएगी और नीचे ट्रैक अपने आप बनता चला जाएगा इस तरह की ये रेल लाइंग लेइंग मशीन के थ्रू ये सारा प्रोजेक्ट बहुत इजीली और सक्सेसफुली किया जा सकता है सीरिस ऑटोमेटिक ट्रैक लेइंग मशीन बोलते हैं इसको <coughs> ये डीएफसी के एडवांस होने का एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से डीएफसी काम करता है यही काम पुराने जमाने में अगर हम हमारे ऑर्थोडॉक्स मेथड से जाएंगे तो हमको दिनों मतलब महीनों लग जाएंगे जो काम बहुत इजीली इन मशीनों से हो जाता है राइट सो दिस इज़ क्वाइट एन एडवांस पार्ट जो ट्रैक बिछाने में इधर आप देख रहे हैं ये जितनी भी जो यहाँ पर ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग के लिए जो अलग अलग जो गिट्टियाँ लगती हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाती हैं और उसको बहुत अच्छे से एक किनारे कर लिया जाता है देखिए ध्यान से ये देखिए ये देखिए ये बीच का वो लूप लेकर आ रहे हैं और एक एक करके हर जगह उसको बिछाते जा रहे हैं ये सब बहुत ऑटोमेटिक और बहुत एडवांस तरीके से हो जाता है तो हमने ये मशीन जो है ये अभी अभी हायर की है और ये इससे पूरा का पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, का काम एडवांस लेवल पे बहुत तेजी से बन जाता है राइट इसके लिए वर्ल्ड बैंक से बजट भी अप्रूव हुआ है राइट समझ में आया आपको ये क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं एक पार्ट आपको और दिखा देते हैं राइट एक सेकेंड हाँ अब देखिए दूसरा एक जो खास पार्ट है इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो है इनका सिग्नलिंग सिस्टम इनका सिग्नलिंग सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम होगा अब उसका पहले वीडियो देख लो फिर मैं आपको बताता हूं ये कैसे काम करेगा ये देखो ये देखो ऊपर देखो ऊपर देखो राइट ये तो बहुत छोटा सा वीडियो है एक बार दोबारा प्ले करता हूं मैं एक सेकेंड यार हाँ, ये देखिए फिर से देखिए ये देखिए अब ये इधर मैं रोक देता हूं इसको अरे यार सॉरी 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 बहुत ही छोटा सा वीडियो है ना हाँ, हाँ अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कैसे काम करेगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सिग्नल ग्रीन उसके बाद दो येलो ये नेक्स्ट स्लाइड में ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपने को इसको देख लो आप हाँ अब इधर देखो मैं आपको नेक्स्ट पे दिखा देता हूं ये देखिए ये जो सिग्नलिंग सिस्टम होगा ना ये इतना एडवांस होगा ये सबसे पहले ग्रीन तो ग्रीन सिग्नल मिल गया मतलब ट्रेन यहां से प्रोसीड हो रही है सामने अगर ट्रेन को रोकना है उसके आगे कोई एक ट्रेन और है इस ट्रेन के आगे तो अगले थोड़े से गैप में बराबर दो येलो आएंगे यहां पर ट्रेन सौ के रफ्तार से चल रही है जैसे ही ड्राइवर देखेगा दो येलो वो तुरंत गाड़ी को साठ किलोमीटर पर आवर पे ले आएगा ओके उसके बाद एक येलो आएगा जैसे ही एक येलो आएगा स्पीड को आधा कर लेना है तीस किलोमीटर पर आवर पे ले आएगा और उस एक येलो के बाद आएगा लाल तो ये लाल तब तक रहेगा जब तक तो यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा आपको कोई सिग्नल इंचार्ज कोई सिग्नल मैन कोई लाइन क्लियर करने वाले जो लोग होते हैं वो सब चाहिए ही नहीं अब ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा राइट अब इसके आगे के फिर पूरे के पूरे लाल रहेंगे इसके पीछे के पीछे पूरे के पूरे ग्रीन रहेंगे इसी तरीके से यह सिस्टम चलता रहेगा अब लाल हुआ उसके बाद सबसे पहले येलो तो 30 के स्पीड पे भगाएगा दो येलो दिखा 60 के स्पीड में भगाएगा उसके बाद ग्रीन हो गया 100 या, 100 तो उतना लेकिन तो दो येलो आएंगे फिर एक येलो आएगा फिर एक रेड आएगा इस तरीके का ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम होगा इसमें दिस मेक्स इट वेरी वेरी स्पेशल वंस अगेन समझ में आ रहा है आपको ये क्लियर हुआ क्या राइट हाँ चलिए आगे देखते हैं यस yes, ये है कंट्रोलिंग सिस्टम एट प्रयागराज प्रयागराज यानी अलाहाबाद का नया नाम आप जानते हैं ये दुनिया के सबसे एडवांस कंट्रोलिंग सिस्टम में से एक है राइट इसको आप ध्यान से देखिए यहां पर कौन सी ट्रेन कहां से कितने टाइम पे गुजर रही है कौन से सेक्शन में है क्या स्पीड पे चल रही है सब पे जबरदस्त मॉनिटरिंग होगी ये अलाहाबाद में प्रयागराज में सिस्टम बनाया गया है इस डीएफसी के लिए राइट ये क्लियर हो गया ये भी एक पार्ट है इसके साथ Right. Now, coming up next. Yes. अब इधर आप देखिए देखिए के स्टेशन. ये DFC के के ये ये होंगे होंगे किस तरीके के होंगे, मैं आपको बता देता हूं. ध्यान से DFC में दो प्रकार के रेलवे स्टेशन है दोस्तों एक है डेपो रेलवे स्टेशन जहां पर लोडिंग अनलोडिंग होगी और दूसरा एक स्टेशन रहेगा वो रहेगा लूप स्टेशन जिसको हम प्रोसीडिंग स्टेशन कह सकते हैं प्रोसीडिंग स्टेशन राइट right. ये कैसा रहेगा देखिए आम तौर पे कोई भी रेलवे स्टेशन की जो लेंथ होती है वो 700 मीटर की होती है लेकिन ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हर एक रेलवे स्टेशन की लेंथ 1.5 किलोमीटर की होगी क्यों क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रेन ही उतनी लंबी है राइट अब अगर मान लीजिए इस ट्रेन के पीछे कोई ऐसी ट्रेन है जिसमें कोई पेरिशेबल गुड़ है मान लो दूध वगैरह है या मान लो कुछ दवाइयां हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं अभी आज के दौर में जो बहुत जरूरी है तो क्या होगा इस ट्रेन को प्रोसीडिंग स्टेशन के पास रोक दिया जाएगा और बाजू से साइड से दूसरी ट्रेन को निकाल दिया जाएगा राइट इसलिए इस पूरे पूरे रूट में आपको कोई भी पैसेंजर स्टेशन नहीं दिखेगा और दूसरे जो होंगे वो डेपो स्टेशन होंगे डेपो स्टेशन इज कंप्लीटली फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पस राइट ये समझ में आ गया आपको क्लियर हो गया राइट यस अब एक और चीज है इसमें वो है लेवल क्रॉसिंग अब ध्यान से देखिए आमतौर पर लेवल क्रॉसिंग ये शब्द का मतलब क्या होता है जहां पर जमीन है वहीं से रेल पटरी गुजर रही है इसीलिए उसको बोलते हैं सेम लेवल इसीलिए ये क्या हो गया लेवल क्रॉसिंग लोगों की गाड़ियां भी जिस लेवल पे है ट्रेन भी उसी लेवल पे जा रही है लेवल क्रॉसिंग यहां क्या होता है बहुत टाइम पास हो जाता है मतलब यहां गाड़ियों को अक्सर रोकना पड़ता है यहां पर लेवल क्रॉसिंग के वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है मेंटेन करनी पड़ती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की खास बात यह रहेगी कि कोई लेवल क्रॉसिंग पूरे रूट में नहीं है ना ईस्ट वेस्ट ना नॉर्थ साउथ ना ईस्टर्न कोस्ट ना कहीं नहीं कहीं नहीं तो क्या रहेगा हर जगह या तो ब्रिज रहेगा या अंडरपास रहेगा इस तरह का ब्रिज रहेगा या नीचे या इस तरह का अंडरपास रहेगा इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलेगा तो ये अपने आप अप में वंस अगेन काफी स्मार्ट वे में बनाया गया है ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें ना हो राइट यस अब इसके साथ लास्ट में हम आ जाते हैं एम के ऊपर लेकिन वक्त थोड़ा सा कम बचा हुआ है इसलिए ये एम वाला जो पार्ट है ये मैं आपको पूरा का पूरा पी के साथ दे दूंगा या आप पी में इतमिन से सॉल्व कर लीजिएगा ये पूरे के पूरे एम जो है ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डी के ऊपर बनाए गए हैं लगभग लगभग 15 से 20 एम सी क्यूज है ये पूरे के पूरे सॉल्व कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपको ये पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा प्लीज so इसको थोड़ा सा आप अटेंशन दीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत मजेदार है जितना कुछ मैंने अभी बताया है ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा सो so एक बार आपने इतना पूरा कर लिया सो so एटलीस्ट ये पूरा का पूरा एपिसोड आपके लिए वन इन फॉर ऑल कंप्लीट हो चुका होगा राइट right. सो so आपको ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा लगा जरा एक बार बताइए राइट right. समझ में आया क्या नाउ डू यू हैव एनी डाउट्स बिकॉज आपका नेक्स्ट सेशन है अभी तो वक्त हो चला है इसलिए ज्यादा वक्त नहीं ले सकते एनी थिंग दैट यू वुड लाइक टू नो अबाउट दिस सेशन ओके अभिलाष कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर थैंक यू सो मच अदर्स अदर्स यस हाँ सो इन केस इफ यू गॉट विथ एनी डाउट इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सबमिट योर क्वेरीज और यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर दिस इज माई नंबर आई ऑलवेज आज फॉर योर फीडबैक रिलेटेड टू द सेशंस सेशंस में थोड़ी बहुत चीजें मतलब रिलेटेड टू योर परस्पेक्टिव जो हम साथ में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं देखो दोस्तों जाते जाते मैं एक बात बता देता हूँ अब वो दिन गए कि तुम सिर्फ ऐसा एक क्वेश्चन करके आप बैंकिंग की परीक्षा क्लियर कर लोगे आप चाहो तो ये चीज़ सारी फैकल्टी से पूछ लेना आकाश सर खुद इस बात को एक्नॉलेज करेंगे अब ये ऐसा एक एक, एक, एक मार्क के जीके क्वेश्चन करके आपका काम बन जाएगा ते दिवस गेले अब आपको थोड़ा गहराई में उतरना पड़ता है फाइनेंशियल अवेयरनेस की बैच हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि समय की नजाकत ऐसी है 2018-19-20 में आप देखो पैटर्न कैसा रहा है तो बहुत सी चीजें बदलती गई है इकोनॉमिक अवेयरनेस में भी वही हाल है अब आपको केवल इतना पार्ट थोड़ी करना है आपको आरसी के पैसेज भी तो सॉल्व करने हैं आपको अच्छी जीडी भी तो देनी है आपको लेटर राइटिंग लिखना है आपको ऐसे राइटिंग लिखना है आपको शानदार इंटरव्यू देना है बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए ख्वाब बड़े बड़े हैं तो मेहनत भी थोड़ी ज्यादा लगेगी दोस्तों इसीलिए हमने अभी ये तय किया है कि जैसे इजराइल वाला लेक्चर हुआ जैसे ये एक लेक्चर हुआ ये एक टॉपिक के ऊपर आपके कंप्रीहेंसिव ब्रॉड लेक्चर्स लिए जाएंगे एक संडे को आपको मैं इकोनॉमिक अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी संडे को मैं पढ़ाऊंगा लेकिन जो वीकली सेशन होगा जैसे आज का सेशन वो किसी एक टॉपिक पे समर्पित होगा मेरा अगला टॉपिक है बिटकॉइंस का बिटकॉइंस के ऊपर मेरा बहुत जल्दी एक लेक्चर आ रहा है इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं मुझे इस नंबर पे जरूर बताइएगा आर यू इंटरेस्टेड टू अटेंड द लेक्चर ऑन योर फीडबैक योर सजेशन रिलेटेड टू दैट और इस तरह का जो पोटेंट मिक्सचर हमने बना के रखा है कि एक दिन हम पूरा एक कंप्रीहेंसिव एक टॉपिक के ऊपर पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और संडे के दिन हम पूरे एमसीक्यूज और फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ेंगे इस तरह के पैटर्न में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है यह भी हमको जरूर बताइएगा दोस्तों ठीक है तो चलेगा आगे देखते हैं फिर संडे को मिलते हैं वंस अगेन सवेरे साढ़े दस बजे इकोनॉमिक अवेयरनेस अवेयरनेस और फाइनेंशियल का एक शानदार टॉपिक लेंगे और पूरे हफ्ते भर की न्यूज को एक शानदार रैपअप में लपेटेंगे और बढ़िया एमसीक्यूज भी इसके साथ कवर करेंगे राइट right. सेशन पर अंतक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित रहिए और हो सके तो कल इसकी पीडीएफ प्लीज डाउनलोड करके रख लीजिए आपको आगे बहुत 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 काम आएगी सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बैंकिंग के अलावा आपके ऐसे जितने दोस्त हैं जो टेक्निकल की परीक्षा दे रहे हैं उन सबको ये सेशन प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज फॉरवर्ड करिए मुझे लगेगा कि इस मेहनत का थोड़ा बहुत एक सही परिणाम सही फल हमको मिल गया थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट द सेशन होप टू सी यू वंस अगेन ऑन संडे टिल देन गुड बाय